नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर मंदिर के विकास कार्यों एवं कानून व्यवस्था तथा निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक। IGRS व जन शिकायतों का प्रभावी ढंग से निस्तारण करने के साथ आयुष विश्वविद्यालय, कुशीनगर मेडिकल कॉलेज तथा BRD मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशलिस्ट ब्लॉक के कार्यों की जाँच के लिए अलग अलग कमेटी बनाकर एक सप्ताह में रिपोर्ट प्रेषित करने के दिए निर्देश। CM योगी ने हिंदू शिवाश्रम एवं यात्री निवास दोनों स्थानों पर जनता दर्शन में 1000 से अधिक फरियादियों की सुनी फरियाद। फरियादियों की समस्याओं का त्वरित व संतुष्टि परक निस्तारण के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। फरियादियों के साथ आए नौनिहालों को दुलार कर आशीर्वाद संग दिया चॉकलेट गिफ्ट। वृहद रोजगार मेला एवं सेवायोजित प्रशिक्षणार्थियों के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रदेश में हर परिवार से एक सदस्य को रोजगार देगी सरकार। यूपी में शुरू होने जा रहा है प्रत्येक परिवार की स्किल मैपिंग का अभियान। रोजगार से वंचित नहीं रहेगा प्रदेश का एक भी परिवार। कौशल विकास एवं महिला सशक्तिकरण विषयक महिला अध्ययन केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में कार्यशाला का किया गया आयोजन। अपने कौशल के दम पर रोजगार हासिल करने वाली छात्राओं को प्रमाण पत्र देकर व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने किया सम्मानित। कहा, 80,000 करोड़ के स्टार्टअप को बढ़ावा दे रही है प्रदेश सरकार। CM योगी ने नगर निगम की 125 करोड़ रुपए की लागत वाली 422 परियोजनाओं का किया लोकार्पण शिलान्यास। कहा, 5 वर्षों में बदल गई है गोरखपुर की तस्वीर। कभी मच्छर माफिया के लिए था बदनाम गोरखपुर, आज विकास है नई पहचान। आइए मिलकर बनाए गोरखपुर को सुंदरतम नगर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10 इलेक्ट्रिक बस, 25 कूड़ा वाहन, 2 वाटर टैंक वाहन तथा 2 टूरिस्ट इलेक्ट्रिक बस को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। कहा, महानगर वासियों के लिए एक सौगात है 39 नए वाहन। और इलेक्ट्रिक बसों के बने चार्जिंग स्टेशन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 किन्नर, रजनी और कृतिका को दी नौकरी। किन्नर समुदाय के लोगों को नौकरी मिलने पर महामंडलेश्वर कनकेश्वरी नंदगिरी ने CM योगी के प्रति जताया आभार। कहा, किन्नर समुदाय को समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए काम कर रहे हैं CM योगी। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आयुक्त सभागार में गोरखपुर मंडल के विकास कार्यों एवं कानून व्यवस्था तथा निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक के दौरान निर्देश दिए कि IGRS व जन शिकायतों का निस्तारण प्रभावी ढंग से किया जाए। जनप्रतिनिधि भी प्रतिदिन 2 घंटे जनसुनवाई करें और अधिकारी जनप्रतिनिधियों से प्राप्त शिकायत पत्रों का निस्तारण गुणवत्ता परक करते हुए संबंधित जनप्रतिनिधियों को निस्तारण से भी अवगत कराएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनप्रतिनिधियों को आकांक्षात्मक विकास खंडों की जानकारी भी दी जाए। मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक के दौरान प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिए कि आयुष विश्वविद्यालय, कुशीनगर मेडिकल कॉलेज तथा BRD मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशलिस्ट ब्लॉक के कार्यों की जांच के लिए अलग अलग कमेटी बनाकर एक सप्ताह में रिपोर्ट दें। उन्होंने कहा कि जनपद देवरिया के जल निकासी की योजना में विलंब होने की जांच कर मंडलायुक्त संबंधित की जवाबदेही तय करें। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि मंडल के चारों जनपद बाढ़ एवं सूखा के लिए अपनी पूरी तैयारी रखें। अधिक वर्षा होने पर कहीं भी जल जमाव की स्थिति ना रहने पाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोरखपुर मंडल इंसेफलाइटिस के लिए संवेदनशील मंडल है, इसलिए सभी जिले अपना सर्विलांस बेहतर रखें। जिलाधिकारी तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी लगातार समीक्षा करें। कोई भी मरीज 102 व 108 एम्बुलेंस के अलावा किसी अन्य साधन से ना आए। CM योगी ने आगे कहा कि धर्मस्थलों के लाउडस्पीकर की आवाज को धीमा रखा जाए, इसके लिए थाना सर्कल स्तर पर जिम्मेदारी दी जाए।
कहीं भी टेम्पो स्थल बस स्टेशनों पर अवैध वसूली की शिकायत न आए, यदि कहीं शिकायत मिलती है तो कठोरतम कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल निगम से जुड़ी परियोजनाओं, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का हर जनपद सत्यापन करा ले, गौ आश्रय स्थलों को गोवर्धन योजना से जोड़ा जाए और उन्हें स्ववित्त पोषित करने के लिए कार्य करना होगा। स्कूल चलो अभियान के दौरान मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि बेसिक शिक्षा अधिकारी यह सुनिश्चित करे कि सभी बच्चों के अभिभावकों के खाते में यूनिफॉर्म, मोजा आदि के पैसे गए हैं, उससे बच्चों के ड्रेस, किताबें आदि की खरीद हो और बच्चे यूनिफॉर्म में ही स्कूल आए। मुख्यमंत्री ने पर्व एवं त्योहारों के दृष्टिगत निर्देश दिए कि किसी सार्वजनिक स्थान पर ताजिया आदि न रखी जाए, किसी भी शोभा यात्रा में अस्त्र शस्त्र का प्रयोग न हो, डीजे आदि का आवाज भी धीमा रहे। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सीमावर्ती जनपद में अच्छी मंडी, अस्पताल आदि के लिए योजना बनाकर शासन को भेजा जाए, साथ ही प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, स्वामित्व योजना में और बेहतर कार्य किया जाए। स्ट्रीट वेंडरों को भी सही से पुनर्वासित किया जाए। जनपद के सीडी रेशियो को बढ़ाने के लिए बैंकर्स के साथ बैठक किया जाए। लोगों को स्वरोजगार के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाए तथा रोजगार मेला आदि लगाए जाए। जनपद के जीडीपी को बढ़ाने के लिए कार्य किया जाए। मंडलायुक्त जीएसटी संग्रह की समीक्षा भी करें। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों के साथ बेहतर संवाद करके विकास कार्यक्रमों को गति देने के लिए कार्य करना होगा। बैठक में मुख्यमंत्री ने जंगल कौड़िया, मोहद्दीपुर फोरलेन, गोरखपुर वाराणसी फोरलेन के निर्माण की समीक्षा करते हुए कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक में चारों जनपदों के विभिन्न जनप्रतिनिधियों द्वारा जनपद के सड़क, बिजली, सब स्टेशन, स्वास्थ्य केंद्रों, डॉक्टरों की तैनाती आदि की मांग पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को समस्याओं के निस्तारण करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर जिलाधिकारी गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर एवं महाराजगंज ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, हर घर जल नल योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी एवं ग्रामीण, मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ऑपरेशन कायाकल्प, स्कूल चलो अभियान, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, आयुष्मान भारत योजना, पंचायत भवन निर्माण, सामुदायिक शौचालय निर्माण, उत्तर प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, स्वामित्व योजना, IGRS आदि पर प्रस्तुतिकरण दी। इसके अतिरिक्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कानून व्यवस्था के संबंध में प्रस्तुतिकरण दी। बैठक में एडीजी जोन अखिल कुमार, DIG जे रविंद्र गौर, मंडलायुक्त रवि कुमार NG, जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश, GDO उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह, नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह, CDO संजय कुमार मीना, SPCT कृष्ण कुमार बिश्नोई, जिला पंचायत अध्यक्ष साधना सिंह, कैंपियरगंज विधायक फतेह बहादुर सिंह, विपिन सिंह, विमलेश पासवान, प्रदीप शुक्ला, श्रीराम चौहान सहित मंडलीय जनपदीय अधिकारीगण तथा मंडल के अन्य जनपदों के जनप्रतिनिधि अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कैंपियरगंज विधायक फतेह बहादुर सिंह ने कहा, सौचालय एक सौ ये नहीं।
कार्यों पर चर्चा हुई है, किन किन बिंदुओं पर चर्चा की है महाराज के द्वारा? बाढ़ की स्थिति का, सूखे की स्थिति के बारे में, जो सड़कें स्वीकृत हैं उनके बारे में चर्चा हुई, जो पुल बन रहे हैं, जो आयुष विश्वविद्यालय बन रहा है, उस सभी विषयों पर चर्चा हुई और समयबद्ध रूप से मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया कि सब कार्य संपन्न हो जाए। फरियादियों की समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता और उनके साथ आए नौनिहालों के प्रति स्नेह अनुराग, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यह सहज कार्यशैली सबको अपना मुरीद बना लेती है। हर बार की तरह बुधवार को भी सुबह गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में ऐसा ही दृश्य देखने को मिला। करीब 2 घंटे तक सीएम योगी जनता दर्शन में मौजूद रहे। करीब 1000 फरियादियों की भीड़ में एक एक फरियादी तक खुद जाकर उनकी पीड़ा सुनी, उसे महसूस किया और समस्या के त्वरित निस्तारण का निर्देश अधिकारियों को दिया। इस दौरान उनकी नजर जब फरियादियों की गोद में बैठे मासूमों पर पड़ी तो उनको दुलारा, आशीर्वाद दिया और चॉकलेट देकर उनके चेहरों पर मुस्कान बिखेर दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार सुबह गोरखनाथ मंदिर परिसर स्थित हिंदू सेवाश्रम में जनता दर्शन में आए लोगों की समस्याएं इत्मीनान से सुनी। संबंधित अधिकारियों को इन समस्याओं के निराकरण के लिए निर्देश किया। जनता दर्शन में दूर दराज से फरियादी पहुंचे थे। सीएम ने यात्री निवास में भी जाकर फरियादियों की समस्याएं सुनी, आश्वस्त किया कि उनकी समस्याओं का निदान किया जाएगा। जनता दर्शन में काफी संख्या में महिलाएं, खासकर अल्पसंख्यक वर्ग की भी अपनी समस्याएं लेकर आई थी। उन्होंने प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों को निर्देशित किया कि संजीदगी के साथ गुणवत्तापूर्ण ढंग से फरियादियों की समस्याओं का समाधान करें, ताकि उन्हें एक ही समस्या को लेकर बार बार जनता दर्शन में न आना पड़े। जनता दर्शन में इसके पूर्व बुधवार की सुबह मठ से बाहर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सर्वप्रथम शिवावतारी गुरु गोरक्षनाथ का दर्शन पूजन किया। उसके बाद अपने गुरु ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की समाधि पर माथा टेक आशीर्वाद लिया। मंदिर परिसर का भ्रमण करते हुए गौशाला पहुंचे, वहां गौ सेवा की। उसके बाद संत निवास के पास श्वान कालू एवं गोलू को दुलार किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा चुनाव के दौरान लोक कल्याण संकल्प पत्र में रोजगार को लेकर किए गए संकल्प को अमृत जामा पहनाने के क्रम में एक बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हर परिवार के कम एक सदस्य को सरकारी नौकरी या रोजगार से जोड़ना सुनिश्चित करने जा रही है। इसके लिए प्रदेश में सभी परिवारों के सभी सदस्यों की स्किल मैपिंग का अभियान शुरू होने जा रहा है। स्किल मैपिंग के बाद आवश्यकता अनुसार प्रशिक्षण देकर वंचित लोगों को रोजगार या स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा। सरकार का संकल्प है कि प्रदेश में कोई भी परिवार रोजगार से वंचित नहीं रहेगा। सीएम योगी
बुधवार को मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित वृहद रोजगार मेला एवं सेवायोजित प्रशिक्षणार्थियों के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय एवं राजकीय आईटीआई के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि स्किल मैपिंग के दौरान यह पता लगाया जाएगा कि कितने परिवार में सदस्य नौकरी से जुड़े हैं या सरकार की योजनाओं का लाभ लेकर रोजगार कर रहे हैं। इसमें जो भी वंचित मिले उनका डाटा तैयार किया जाएगा। एक बार डाटा आते ही बचे परिवारों को विशेष कार्यक्रम से जोड़कर कम से कम उनके एक सदस्य को नौकरी व रोजगार मुहैया कराया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2014 में देश की बागडोर संभालने के बाद युवाओं, उद्यमियों, हस्तशिल्पियों व कारीगरों के ऊर्जा व हुनर को पहचान देने के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए। स्किल इंडिया, स्टार्टअप, स्टैंडअप, मेक इन इंडिया, मुद्रा आदि योजनाओं के क्रियान्वयन से युवाओं को पहली बार लगा कि सरकार उनके बारे में भी सोचती है। वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार आने के साथ ही डबल इंजन की सरकार ने केंद्र व राज्य की रोजगार परक योजनाओं को तेजी से बढ़ाया है। सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार ने बीते 5 साल में 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी है। 1,61,00,000 युवाओं को एमएसएमई व उद्यमों में रोजगार से जोड़ा गया है। 60,00,000 हस्तशिल्पियों व कारीगरों को स्वतः रोजगार के लिए बैंकों से अनुदानित लोन उपलब्ध कराया गया है। इन सब का परिणाम पूरे देश के सामने है। वर्ष 2015-16 में यूपी में बेरोजगारी दर 18% से अधिक थी। कोरोना काल की चुनौती के बावजूद जबकि 40,00,000 प्रवासी कामगार व श्रमिक यूपी लौटे, बेरोजगारी दर करीब 16% घटकर अब महज 2.7% पर है। इस उपलब्धि में सरकार के प्रयासों के साथ युवाओं, उद्यमियों व कारीगरों की ऊर्जा व हुनर का महत्वपूर्ण योगदान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की मंशा देश की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन तक ले जाने की है। इस लक्ष्य में अपना योगदान देने के लिए उत्तर प्रदेश ने अपनी अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन तक ले जाना तय किया है। इस दिशा में उद्यमियों, कारीगरों, युवाओं के बल पर हमने तेजी से कदम भी बढ़ा दिए हैं। वर्ष 2016 में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था देश में 6वें स्थान पर थी। आज यह देश में 2रे पायदान पर है। बीते 5 साल में उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय व जीडीपी दोगुनी हो चुकी है। सीएम योगी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार हर क्षेत्र में तेजी से कार्य करते हुए सभी लोगों को आर्थिक स्वावलंबन का रास्ता दिखा रही है। केंद्र की अनेक योजनाओं के साथ ही राज्य में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, एक जिला एक उत्पाद योजना, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना से जुड़कर युवा, कारीगर व शिल्पी स्वावलंबन के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में मौजूद युवाओं में जोश भरते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनाने में युवाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। युवाओं की उम्मीद के मुताबिक सरकार ने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 3 में 80,000 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव धरातल पर उतारे हैं। इससे 20,00,000 लोगों की नौकरी की संभावना को आगे बढ़ाया गया है। इसी क्रम में पिछले दिनों एमएसएमई विभाग ने 1.90 लाख लोगों को बैंकों से जोड़कर उन्हें रोजगार हेतु ऋण दिलाया। मुख्यमंत्री ने युवाओं को कुछ नया करने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि नवाचार आज समय की मांग है। हमें क्षेत्र विशेष की आवश्यकता अनुसार जुड़ना होगा, उसके अनुरूप कार्य योजना बनानी होगी। इस अवसर पर मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा बनाए गए ड्रोन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि 20 किलो का यह ड्रोन 1 एकड़ खेत में 7 मिनट में दवाओं का छिड़काव कर सकता है, जबकि मैन्युअली इस काम को करने में किसान को 1 दिन लग जाता है। उन्होंने कहा कि इस ड्रोन के लिए वह कृषि विभाग को इस प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के साथ MOU करने के लिए निर्देशित करेंगे। इससे खेती के काम में आसानी होगी और युवाओं के हुनर को नई पहचान व रोजगार से जोड़ा जाएगा। सीएम योगी ने कहा कि अवसरों की कोई कमी नहीं है, बस युवा खुद को तैयार करे। विपत्ति में धैर्य खोने की आवश्यकता नहीं है, इच्छा शक्ति से खुद को स्किल डेवलपमेंट से जोड़े। सरकार भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में ऐसे पाठ्यक्रम तैयार कर रही है। सीएम ने बताया कि युवाओं को तकनीकी रूप से दक्ष बनाने के लिए मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशिप योजना लाई गई है। इसमें
अंतिम वर्ष के छात्रों को इंडस्ट्री से जोड़कर उनके हुनर को और निखारा जाएगा। इस कार्य में कुछ पैसा सरकार देगी और कुछ इंडस्ट्री। युवा पढ़ाई के साथ साथ अपने प्रोजेक्ट को भी आगे बढ़ा सकेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि प्रदेश के 100 आकांक्षात्मक ब्लॉकों में एक एक नौजवान को मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना से जोड़ा जा रहा है। इसके तहत चयनित नौजवान को मानदेय, टैबलेट व आवासीय सुविधा प्रदान होगी। वह नौजवान विजिट कर ब्लॉक की प्रगति की जानकारी उपलब्ध कराएगा। 100 ब्लॉकों के बाद इस योजना को 100 नगर निकायों में भी शुरू किया जाएगा। वृहद रोजगार मेले के आयोजन की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह के मेले हर जिले में होने चाहिए। इस अवसर पर सीएम योगी ने सभी लोगों को आज़ादी के अमृत महोत्सव अभियान से जुड़ने की अपील करते हुए कहा कि 13 से 15 अगस्त के बीच हर घर तिरंगा फहराएं। उन्होंने कहा कि तिरंगा हमारी राष्ट्रीयता की आन बान मान का प्रतीक होने के साथ ही शहीदों के प्रति सम्मान का भाव भी जागृत करता है। वृहद रोजगार मेले में व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश अनेक क्षेत्रों की भांति रोजगार देने में भी नंबर वन है। यह इसलिए संभव हो सका है कि योगी बेहद संवेदनशील हैं और सबकी चिंता करते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पीएम व सीएम की मंशा है कि युवा नौकरी मांगने वाले की बजाय नौकरी देने वाले बने। उन्होंने कहा कि उनका विभाग सोलर सेक्टर व एविएशन सेक्टर में भी युवाओं को ट्रेनिंग देने का कार्य योजना पर तेजी से काम कर रहा है। प्रमुख सचिव कौशल विकास सुभाष चंद्र शर्मा ने विभागीय कार्यों की रूपरेखा प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि इस वर्ष 3 ऐसे वृहद रोजगार मेले का आयोजन करने का निर्णय लिया गया है। करीब 136 कंपनियों ने 18,000 नियुक्तियों के लिए गोरखपुर के वृहद रोजगार मेले में रजिस्ट्रेशन कराया है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री का स्वागत गोरखपुर ग्रामीण के विधायक विपिन सिंह व आभार ज्ञापन कौशल विकास मिशन के निदेशक आंद्रे वामसी ने किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के कार्यक्रम स्थल के पास लगे टेराकोटा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के ड्रोन स्टॉल, श्रम विभाग, कौशल विकास विभाग आदि के स्टॉलों का अवलोकन भी किया। ये सभी स्टॉल रोजगार और स्वरोजगार की जानकारी प्रदर्शित कर रहे थे। सीएम ने इन स्टॉलों को देख प्रसन्नता जताई। वृहद रोजगार मेले में सीएम योगी ने विभिन्न बड़ी कंपनियों में अलग अलग पदों पर नियुक्त हुए युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। इसके साथ उन्होंने विभिन्न योजनाओं से स्वरोजगार के लिए युवा उद्यमियों को 1.37 करोड़ रुपए का ऋण भी वितरित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र पाने वालों तथा स्वरोजगार के लिए ऋण प्राप्त करने वालों की जमकर हौसला अफजाई भी की। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह, विधायक फतेह बहादुर सिंह, श्री राम चौहान, प्रदीप शुक्ल, डॉक्टर विमलेश पासवान, प्रमुख सचिव सूचना संजय प्रसाद, MMMUT के कुलपति प्रोफेसर JP पांडे समेत बड़ी संख्या में अधिकारी, युवा व गणमान्य जन उपस्थित रहे। Gracias.
कार्यक्रम के आरंभ में मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय राज्य मंत्री महोदय करूंगा कि वे दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ। माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें। कपिल देव अग्रवाल जी से यह अनुरोध करूंगा कि वे मैं माननीय विधायक के आयोजन के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री योगी आदित्यनाथ जी, हम सभी हमारे माननीय सांसद एवं विधायकगण, अधिकारीगण, डीसी साहब और आईटीआई से हमारे प्रशिक्षु, शॉर्ट टर्म के कोर्स हम लोग चलाते हैं कौशल विकास मिशन में, जिसमें हमारे फ्लैगशिप पार्टनर्स भी हैं, ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं, गवर्नमेंट की हमारी संस्था है, हम लोग गवर्नमेंट ट्रेनिंग पार्टनर्स कहते हैं। इन सब का मिला जुला प्रयास ये रहता है कि लगभग 10 लाख युवाओं को हम लोग प्रतिवर्षीय रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास करते हैं। सर, मैंने अपने से प्रयास किया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो नए नए कोर्सेज आए हुए हैं, न्यू एज जिसको हम कोर्स कहते हैं, उनमें एक ड्रोन आपके सामने इस प्रदर्शनी में लगा हुआ है। सर, इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हम लोग लेकर के आए हैं आपके मार्गदर्शन निर्देशन में। जैसे जैसे मेरी सर आपसे जब भी बातें होती हैं, तो जो रोज की रोजमर्रा का काम है, जैसे मोबाइल का रिपेयर करने वाला बंदा नहीं मिलता है, टर्नर और हमारे जो प्लम्बर्स हैं वो सही संख्या में नहीं मिलते हैं। आजकल गैस पाइपलाइन जाती है, सर ने कुछ दिन पहले मुझे मार्गदर्शन दिया था कि पीएनजी गैस पाइपलाइन उसको ठीक करने वाले प्लम्बर्स नहीं मिलते हैं। तो सर, वो उन क्षेत्रों में हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। नए कोर्स डिजाइन किए गए हैं, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ड्रोन पायलट हम लोग कर रहे हैं, ड्रोन टेक्नीशियन हम लोग करा रहे हैं। ऐसे ही कृषि के क्षेत्र में उद्योग विभाग से एमओयूज करते करते ये कार्य हम लोग करते जा रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल पर भी सर आपके मार्गदर्शन से, चाहे वो सिंगापुर की गवर्नमेंट हो या यूएई की गवर्नमेंट हो या हमारे जर्मनी से हमारा तालमेल हो रहा है, तो ओवरऑल अगर इफेक्ट देखा जाए तो ये रोजगार प्रदान करने का एक मुहिम है, एक ऐसा हमारा एक मिशन है जिसको हम लोग उस मोड में चला रहे हैं। आज सर मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूँ कि आज इतने बड़े पैमाने पर ये मेले का आयोजन किया गया है। उम्मीद करता हूँ इसमें लगभग एक तिहाई 35-40% बच्चों को विभिन्न इन कंपनियों के माध्यम से हम लोग जॉब प्लेसमेंट कराएंगे। 7-8 हज़ार लोगों को अगर हम आज रोजगार देते हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी जो हम करने जा रहे हैं। रोजगार मेले में मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोरक्ष पीठाधीश्वर पूज्य महाराज श्री, माननीय मंत्री जी, सम्मानित सभी विधायकगण, मंचासीन सभी अतिथिगण, सामने बैठे हुए सभी हमारे भारत के भविष्य, मीडिया से आए हुए सभी साथी, सभी अधिकारी बंधु, मित्रों, हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है जब से इस देश में हमारे सचिव प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है और विशेषकर जब से उत्तर प्रदेश में पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। मित्रों, लगातार हर तरफ विकास हो रहे हैं और नए नए रोजगारों का सृजन हो रहा है, इससे तमाम लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। कहने के लिए मित्रों, इससे पहले भी सरकारें रहा करती थी, सिर्फ गुंडे ही हुआ करती थी, रोजगार नहीं मिलती थी, दक्षिणती होती थी। आज पूज्य महाराज ने सुशासन उत्तर प्रदेश में दिया है, जिससे निर्भीक होकर के हमारे युवा साथी, हमारी बहने दिन रात कहीं भी कहीं जाना हो रोजगार के लिए, चाहे कहीं नौकरी पर जाना हो, जा सकती है। ऐसे पूज्य महाराज जी के चरणों में नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय।
आदरणीय बहुत ही यशस्वी उत्तर प्रदेश को नई ऊर्जा प्रदान करने वाले और जिनका नाम भी आदित्यनाथ है, योगी आदित्यनाथ है, जिस प्रकार से सूर्य पूरी सृष्टि को प्रकाशित करने का काम करता है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी उसी नाम के अनुरूप पूरे प्रदेश को ऊर्जा देने का काम कर रहे हैं। सतत विकास हो रहा है, सर्वत्र सुरक्षा का माहौल है, उद्यमी लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश कर रहे हैं। और मैं केवल ये कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश के नहीं, पूरे देश के, दुनिया के सब मुख्यमंत्री, सब शासनाध्यक्ष आज योगी मॉडल को देखना चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी किस प्रकार से, कोरोना का पकड़ आया तो सबसे बढ़िया, सुरक्षा का व्यवस्था का नंबर वन, शासन व्यवस्था तो शानदार, और जिस विभाग का आज हमारा कार्यक्रम है वैसे शिक्षा कौशल विकास का, उसमें भी युवाओं को रोजगार देने की बात हो तो उसमें भी नंबर वन, निश्चित एक बार तालियां बजाकर के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का हम सब लोग नमस्कार। आदरणीय जिला पंचायत अध्यक्ष साधना सिंह जी, आदरणीय विधायक फतेह बहादुर सिंह जी, हमेशा आदरणीय विधायक मंत्री रहे वर्तमान विधायक श्री राम चौहान जी, विधायक जितिन सिंह जी और प्रदीप शुक्ला जी, आदरणीय अमलेश पासवान जी, और यहाँ उपस्थित हमारे विभाग के समस्त अधिकारीगण और दूर दूर से आए सभी प्यारे बच्चों, मैं मुजफ्फरपुर का विधायक हूँ, मुजफ्फरपुर की ओर से भी आप सबको शुभकामनाएं प्रणाम करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा विभाग लगातार प्रगति कर रहा है। जब मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बने तब उन्होंने कहा कि बेटियां पढ़ें और बेटियां बढ़ें। उसके बाद 2017 में जब मुख्यमंत्री जी के पास प्रदेश की कमान आई तो युवाओं को इसके डेवलपमेंट के लिए, उनके रोजगार के लिए, उनके प्रशिक्षण के लिए जिस प्रकार से लगातार उन्होंने चिंता की, निश्चित रूप से ये गोरखपुर की धरती जहाँ से उनकी कर्मस्थली है, उनको लगातार यहाँ से सांसद चुनने का मौका यहाँ के क्षेत्र की जनता ने दिया। हमारे पूज्य आदरणीय नरसिंहनाथ जी, श्री दिग्विजय विजयनाथ जी, मेन अवेदनाथ जी और उसके बाद योगी आदित्यनाथ जी, यानी ये पीठ जिसकी पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर इसका सम्मान है, उसके पीठाध्यक्ष के रूप में भी पूरी व्यवस्था का संचालन करते हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर भी सबकी चिंता करते हैं। ऐसे मुख्यमंत्री जी के लिए मैं निवेदन करना चाहूँगा, हमारा विभाग लगातार युवाओं को ITI के माध्यम से भी और कौशल विकास के माध्यम से भी विभिन्न क्षेत्रों के अंदर प्रशिक्षण देने का काम कर रहा है। श्री शिव हरि आपके लिए आपका चयन हुआ है। चयन CSE अकेडमी MIS मैनेजर के लिए हुआ है। सूर्य के लिए हुआ है। गीतांजलि शर्मा टेलीकॉलर के पद के लिए, अगले ट्रेनिंग टेक्नीशियन के रूप में का चयन मारुति सुजुकी के लिए हुआ है। मारुति सुजुकी स्थानीय रूप से यहाँ के बेरोजगारों को मारुति सुजुकी के लिए ट्रेनिंग टेक्नीशियन के रूप में चयन हुआ है आपका। श्री सुमित सुजुकी गोरखपुर में, सूरज यादव मारुति सुजुकी और सूरज है स्थानीय रूप से रोजगारपरक योजनाओं के अंतर्गत चेक मिल। मोहम्मद जमशेद खान, श्री सनी शर्मा,
शक्ति के लिए। आज के इस बृहद रोजगार मेला कार्यक्रम के उद्घाटन अवसर पर मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास विभाग के मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल जी, गोरखपुर की जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह जी, हमारे माननीय विधायक गण श्री फतेहबहादुर सिंह जी, श्री राम चौहान जी, श्री विपिन सिंह जी, डॉक्टर बिमलेश पासवान जी, सहजनवा से हमारे विधायक शुक्ला जी, प्रमुख सचिव व्यावसायिक शिक्षा और तकनीकी शिक्षा श्री सुभाष चंद शर्मा जी, विभाग के सभी अधिकारीगण, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जेपी पांडे जी, और रोजगार मेला में आज यहां पर उपस्थित लगभग 136 देश की प्रतिष्ठित कंपनियों से जुड़े हुए उनके सीईओ, जनरल मैनेजर्स और अन्य अधिकारीगण, और हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों से आए हुए हमारे सभी युवा साथियों, मैं सबसे पहले आप सबका बाबा गोरखनाथ की इस धरती पर आयोजित इस बृहद रोजगार मेले में हृदय से स्वागत करता हूं। पंडित मदन मोहन मालवीय जी के नाम पर स्थापित इस तकनीकी विश्वविद्यालय के प्रांगण में यह रोजगार मेला नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के युवाओं के उज्ज्वल भविष्य की रूपरेखा तैयार करने का एक आधार स्तंभ खड़ा होने जा रहा है, और उस दृश्य आज इस रोजगार मेले के उद्घाटन कार्यक्रम के साथ हम सब यहां पर जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में देश के अंदर बागडोर संभालने के साथ ही देश के युवाओं, देश के परंपरागत उद्यमियों, हस्तशिल्पियों और कारीगरों के हुनर को पहचान देने के लिए अलग अलग प्रकार के अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। स्किल इंडिया अभियान हो, पीएम स्टार्टअप की योजना हो, पीएम स्टैंडअप की योजना हो, मेक इन इंडिया का बृहद कार्यक्रम रहा हो,
या स्वतः रोजगार के साथ और स्वयं के स्टार्टअप को आगे बढ़ाने वाले युवाओं के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जैसी योजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम पहली बार देश के युवाओं को लगा, हस्तशिल्पियों और कारीगरों को लगा कि सरकार हमारे बारे में भी सोचती है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में विगत 5 वर्ष के अंदर हम लोगों ने राज्य के अंदर 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी, 1,61,00,000 नौजवानों को विभिन्न उद्यमियों, विभिन्न एमएसएमई इकाइयों और अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में रोजगार के साथ जोड़ा, तो 60,00,000 हस्तशिल्पी और कारीगरों को स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने के लिए, बैंकों के साथ जोड़ने के बृहद कार्यक्रम को भी हम लोगों ने सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया था। और उसी का परिणाम था कि जहां 15-16 में उत्तर प्रदेश के अंदर बेरोजगारी की दर 18% से अधिक थी, कोरोना कालखंड के इस भीषण चुनौती के बावजूद, जबकि उत्तर प्रदेश में 40,00,000 प्रवासी कामगार और श्रमिक वापस भी आए थे, हम उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी दर को 2.7% तक लाने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। आज अनेक ऐसे कार्यक्रम प्रदेश के अंदर चल रहे हैं जिन योजनाओं के माध्यम से अपने युवाओं की ऊर्जा और उनकी प्रतिभा का लाभ उत्तर प्रदेश स्वयं ही अपने प्रदेश के लिए लेकर के उत्तर प्रदेश को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के सामने कार्य कर रहा है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए लगता हो कि ये नौजवान क्या कर सकते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि हमारा ये नौजवान ऊर्जा से, प्रतिभा से भरपूर है। जब भी इसको अवसर मिलेगा तो अपनी प्रतिभा के माध्यम से, अपनी ऊर्जा के माध्यम से उत्तर प्रदेश को एक नई अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करके, देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने में अपना योगदान देगा। और उसके परिणाम भी आए हैं। 5 वर्ष में सरकार आपके प्रति जितनी सकारात्मक थी, आपकी प्रतिभा ने भी उसी प्रकार का सकारात्मक योगदान उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में दिया। 2016 तक उत्तर प्रदेश देश की 6वीं अर्थव्यवस्था थी, आज उत्तर प्रदेश देश की 2री अर्थव्यवस्था बनने को अग्रसर है। हम प्रति व्यक्ति आय को दुगुना करने में हमें सफलता प्राप्त हुई। उत्तर प्रदेश की जीडीपी को हमें दुगुना करने में सफलता प्राप्त हुई। और मैं इसीलिए कह सकता हूं कि अपने युवाओं के बल पर, अपने हस्तशिल्पियों के बल पर, अपने उद्यमियों के बल पर हम अपने उत्तर प्रदेश को प्रधानमंत्री मोदी जी के देश के $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी देश को बनाने के क्रम में उत्तर प्रदेश को अगले 5 वर्ष के अंदर $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की दिशा में जो कदम बढ़ाए हैं, उसके लिए इस प्रकार के रोजगार मेलों की बहुत बड़ी आवश्यकता थी। और उसी में आज हम सब आपके बीच में आए। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर, यानी डबल इंजन की सरकार मिलकर के तेजी के साथ इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। मैं भी देख रहा था यहां पर जिन नौजवानों को हमने नियुक्ति पत्र उपलब्ध कराए हैं, किसी को मारुति सुजुकी में उपलब्ध कराया है, किसी को रिलायंस जियो में उपलब्ध कराया है, किसी को किसी अन्य में उपलब्ध कराया है, और वे सभी हंसते हंसते खुशी खुशी अपना नियुक्ति पत्र लेकर के अपनी राह बनाने का कार्य भी कर रहे हैं। सरकार रास्ता दिखा सकती है और सरकार के यही रास्ते हैं, पीएम स्टार्टअप की योजना हो, पीएम स्टैंडअप की योजना हो, मेक इन इंडिया की योजना हो, पीएम मुद्रा योजना हो, या फिर राज्य के अंदर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना हो, या वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना, या विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना,
सरकार इन सभी कार्यक्रमों के साथ अपने युवाओं को, अपने हस्तशिल्पियों को, अपने कारीगरों को जोड़ने का कार्य कर रही है और उन्हें आर्थिक स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर करके उन सभी युवाओं और हस्तशिल्पियों और कारीगरों के बल पर उत्तर प्रदेश को आर्थिक स्वावलंबन के मार्ग पर आगे बढ़ाने का कार्य उत्तर प्रदेश सफलतापूर्वक विगत 5 वर्षों से आगे बढ़ा रहा है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, आज जब यहाँ पर हम कार्यक्रम कर रहे हैं, अभी विगत दिनों आपने देखा होगा नई सरकार का गठन हुआ। मैं आप सभी युवाओं को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों ने प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार बनाने में अपना योगदान दिया। और सरकार बनते ही हमने सबसे पहला काम किया 80,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव को जमीनी धरातल पर उतार करके उसके माध्यम से 20 लाख नौजवानों के लिए नौकरी की संभावनाओं को उसके माध्यम से आगे बढ़ाने का काम किया। और यही नहीं, हम लोगों ने स्वतः रोजगार के साथ जुड़ने के लिए अभी पिछले दिनों एक स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी के साथ मिलकर के एमएसएमई विभाग ने प्रदेश के अंदर बड़े लोन मेला का आयोजन किया गया था, जिसमें 1,90,000 हस्तशिल्पी कारीगर और युवाओं को बैंकों के साथ सीधे लोन की सुविधा के साथ जोड़ करके उन्हें सस्ते दर पर लोन उपलब्ध करवाने के कार्यक्रम को भी सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया। भाइयों बहनों, आज का समय इनोवेशन का है और हम सबको उस क्षेत्र विशेष की आवश्यकता के अनुरूप उस प्रकार के कार्यक्रमों के साथ जुड़ना होगा। मैं भी जब यहां कार्यक्रम के मंच पर आ रहा था, मुझे बाहर कुछ चीजें देखने को मिली, जिसमें गोरखपुर के, बुलहरिया और औरंगाबाद के परंपरागत वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना, यहां का टेराकोटा के जुड़े हुए कारीगरों की हस्तशिल्प को भी मुझे देखने का अवसर मिला, और मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के अपने युवा साथियों के द्वारा बनाए गए ड्रोन को भी मुझे देखने का अवसर प्राप्त हुआ। लेकिन मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भी आज आपने देखा होगा, मैं विश्वविद्यालय को इस बात के लिए अभिनंदन करूंगा कि नेक की जो अभी रैंकिंग हुई है, इसमें इसे ये ग्रेडिंग मिली है, ये ग्रेड प्राप्त होना एक तकनीकी विश्वविद्यालय की दृष्टि से एक बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। मुझे लगता है इसमें और अच्छी संभावनाओं को आगे बढ़ाने का हमें अवसर प्रदान करता है। मैं यहाँ के कुलपति जी को, यहाँ की उनकी पूरी टीम को इसके लिए हृदय से बधाई देता हूँ। लेकिन हमारा प्रयास होना चाहिए कि इससे भी बेहतर करने के लिए, और इससे बेहतर करने के लिए हमें इनोवेशन को, रिसर्च को, स्टडी पेपर को और लोकल आवश्यकता के अनुरूप रोजगार सृजन के लिए अपने युवाओं को स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने के लिए तकनीकी विश्वविद्यालय के मंच का उपयोग हमें उपलब्ध करवाना ही होगा। और इस दिशा में जो उन्होंने प्रयास किया है, ड्रोन 20 किलो का सामान लेकर ड्रोन जा सकता है, एक एकड़ खेत में अगर उसे कोई पेस्टिसाइड छिड़काव करना हो, मात्र 7 मिनट में एक एकड़ खेत में छिड़काव कर सकता है। एक किसान अगर अपने कंधे में जब टांग करके जाता है तो उसको एक एकड़ खेती के में दवाई छिड़काव में 1 दिन लग जाता है। कितनी बार जाएगा वो छिड़काव करते करते, दूसरा उसके स्वास्थ्य पर कीटनाशकों का जब अपने हाथों से छिड़काव करेगा, कितना दुष्प्रभाव पड़ता होगा। सोचिए, जिस कीटनाशक से खतरनाक कीड़े मर जाते हैं और मनुष्य जब उसको अपने हाथ से छिड़काव करता होगा, आखिर श्वास तो वो भी ले रहा है ना, उसपे कितना दुष्प्रभाव पड़ता होगा। लेकिन हमारा किसान भाई इसको करता रहा है, लेकिन अब तकनीक आ गई, अब हम ड्रोन के माध्यम से छिड़काव करेंगे, यह भी इनोवेशन हो चुका है। और अभी यहाँ के युवा साथियों ने उसका सफलतापूर्वक परीक्षण भी किया है। और मैंने इसीलिए कहा कि कृषि विभाग के साथ आप अपना MOU करिए, कृषि विज्ञान केंद्रों को हम आपके माध्यम से ड्रोन सस्ते में उपलब्ध करवा देंगे, और फिर आपको आपके प्रोजेक्ट का पैसा भी मिल जाएगा, कुछ नौजवानों को अपना हुनर दिखाने का भी अवसर मिल जाएगा, और किसान के लिए भी आसान हो जाएगा कि कोई भी पेस्टिसाइड उनको छिड़काव करना तो ड्रोन के माध्यम से ही पूरे खेत में छिड़काव कर लेगा, और
फसल भी उसकी सुरक्षित हो जाएगी। ऐसे अलग 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 कार्यक्रम में यहाँ पे देख रहा था, ये सभी चीजें दिखाती हैं कि करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। और इसीलिए मैंने व्यावसायिक शिक्षा और तकनीकी शिक्षा को कहा कि यूथ को, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी इस बात को कह रही है, जिस राष्ट्रीय शिक्षा को प्रधानमंत्री जी ने 2020 में पूरे देश के अंदर लागू किया है, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि हम छात्रों को स्कूली शिक्षा के दौरान ही अलग अलग संस्थाओं के साथ उसे जोड़ने का कार्य करें। और मैंने खासतौर पर व्यावसायिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, चाहे वह ITI के हों, पॉलिटेक्निक के हों, इंजीनियरिंग कॉलेजेस या विश्वविद्यालयों के छात्र छात्राएं हों, इंडस्ट्री के साथ पहले दिन से उसका जुड़ाव हो जाए। मेडिकल और पैरामेडिकल से जुड़े हुए, नर्सिंग से जुड़े हुए जो हमारे प्रशिक्षु हैं, उनको पहले दिन से ही हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज से पहले दिन से उसको आप जोड़ दीजिए। ये फील्ड ऐसे जितना उसके पास अनुभव होगा उतना ही वह अपने आप को उतना ही मजबूत पाएगा। और मुझे लगता है वह समय आ चुका है जब हम अपने युवाओं के लिए ये मंच उपलब्ध करवाने का कार्य करें। हम लोगों ने तय किया है, वर्तमान में हमारी सरकार, राज्य की सरकार एक अभियान चला रही है, एक कार्यक्रम तो हम पहले से चला चुके हैं, जो तकनीकी दृष्टि से इस प्रकार के दक्ष युवा हैं उनके लिए हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशिप की एक योजना प्रारंभ की है। फाइनल ईयर के जो बच्चे होंगे, जो बच्चे, जो युवा साथी उस कार्यक्रम के साथ जुड़ना चाहते हैं, इंडस्ट्री के साथ जुड़ रहे हैं, उन्होंने 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे इंडस्ट्री को दे रहे हैं, हमने कहा कि हम उसको CM अप्रेंटिसशिप की योजना के साथ लेंगे और CM अप्रेंटिसशिप की योजना के अंतर्गत कुछ पैसा इंडस्ट्री उसको देगी, कुछ पैसा राज्य सरकार उसको देगी, वो अपना खर्चा स्वयं भी निकाल सकता है और साथ साथ अपनी पढ़ाई को और अपने प्रोजेक्ट के कार्य को भी सफलतापूर्वक आगे बढ़ा सकता है। वर्तमान में हम लोग एक नए कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं, प्रदेश के अंदर 100 विकास खंडों का हम लोगों ने चयन किया है। पहले चरण में 100 विकास खंड, फिर दूसरे चरण में 100 नगर निकाय का हम चयन करने जा रहे हैं, और इन सभी नगर निकाय हो या विकास खंडों में एक एक नौजवान को मुख्यमंत्री फेलोशिप के रूप में हम वहां पर तैनात करने जा रहे हैं, जो राज्य सरकार की इन योजनाओं के प्रति हर दिन उसको हम टैबलेट देंगे, वहां हर दिन उसके लिए हम आवासीय सुविधा भी देंगे, उसको एक मानदेय भी देंगे, और उसको हम कहेंगे कि आपको इन इन योजनाओं की प्रतिदिन जाकर के विजिट करके इसको अपडेट करना है, उसको अपलोड करके हमें उपलब्ध करवाना है, जिससे हम उस विकास खंड के प्रगति के बारे में जानकारी ले सकेंगे। और ये कार्यक्रम हमारा बहुत शीघ्र प्रदेश के अंदर 100 विकास खंडों के लिए तत्काल प्रारंभ होने जा रहा है, और 100 विकास खंडों के बाद हम इसको नगर निकायों के साथ भी जोड़ना चाह रहे हैं। एक बड़े कार्यक्रम के साथ हम आ रहे हैं, और वह कार्यक्रम है प्रदेश के अंदर हर परिवार की स्किल मैपिंग, हर परिवार की। उत्तर प्रदेश के अंदर जितने परिवार होंगे उस हर परिवार की मैपिंग होगी कि वह परिवार शासन की किन 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 योजनाओं को प्राप्त कर रहा है, नंबर एक। दूसरा, उस परिवार के साथ कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें सरकारी नौकरी मिली है या जो लोग रोजगार प्राप्त कर रहे हैं, और कितने ऐसे परिवार हैं जिनको कहीं से भी न सरकार की किसी योजना का लाभ मिला है और न ही कोई रोजगार या नौकरी ही प्राप्त हुई है, ये सभी हम एक साथ जोड़ करके कार्य प्रारंभ करने जा रहे हैं। और जैसे हमारे पास डाटा आएगा, आप देखना जितने बचे हुए ऐसे परिवार होंगे जिस परिवार को शासन की कोई सुविधा नहीं प्राप्त हो रही, लेकिन वह उस निडी है, उस किसी एक आवश्यकता के लिए उसकी आवश्यकता है, सरकार उसके लिए स्पेशल कार्यक्रम चलाएगी, उस परिवार को भी इस सुविधा का लाभ मिलना ही चाहिए, सरकार इसको सुनिश्चित करेगी। उन परिवारों को हम चिन्हित करने जा रहे हैं जिन परिवारों को कोई नौकरी, कोई रोजगार या स्वतः रोजगार कभी नहीं मिला है और कुछ भी उनके पास नहीं है, उन परिवारों को किसी एक सदस्य को रोजगार के साथ जोड़ने के बृहद कार्यक्रम के साथ सरकार आगे बढ़ रही है, और इस प्रकार का बृहद रोजगार मेला उस अभियान के लिए एक आधार का काम करेगा। आज 136 कंपनियों के प्रतिनिधि यहां पर आए हैं जो आपको
रोजगार पत्र यहाँ पर उपलब्ध करवाएंगे। आज के अवसर में हमने लक्ष्य रखा है कि गोरखपुर समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश के 10,000 नौजवानों को नियुक्ति पत्र प्राप्त हो और 10,000 नौजवानों के लिए रोजगार मिला। यहाँ पर उत्तर प्रदेश तकनीकी शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा, कौशल विकास के साथ साथ मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के सहयोग से एमएसएमई विभाग के माध्यम से साथ मिलकर के इस कार्यक्रम को हम लोग, सेवायोजन विभाग इसके साथ जुड़ा हुआ है, व्यवसायिक शिक्षा और कौशल विकास विभाग जुड़ा हुआ है, ये सभी कार्यक्रम हम एक साथ जोड़ करके बना रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब मिलकर के उत्तर प्रदेश के नौजवानों की इस ऊर्जा और प्रतिभा का लाभ उत्तर प्रदेश को नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बनाने में सफल होंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी नौजवानों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं, विश्वास व्यक्त करता हूं कि आप सभी नौजवान हिम्मत से काम लेंगे, विपरीत परिस्थितियों में धैर्य खोने की आवश्यकता नहीं। अपने स्किल को जितना अच्छा डेवलप आप कर सकते हैं उस दिशा में हमारा प्रयास प्रारंभ होना चाहिए। जिन लोगों ने स्नातक की डिग्री ले ली है वे कंप्यूटर के बारे में थोड़ा जानकारी दे, टाइपिंग सीखे, क्लेरिकल जॉब में जो जाना चाहता है थोड़ा शॉर्ट हैंड का जानकारी भी ले ले। बहुत सारी अवसर है, अवसरों की कमी नहीं है। हम अपने आप को तैयार करें और सरकार उस प्रकार के पाठ्यक्रम तकनीकी संस्थानों में, व्यवसायिक शिक्षा से जुड़े हुए संस्थानों में, पॉलिटेक्निक में, महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में, इंटर कॉलेजेस में उस प्रकार के पाठ्यक्रम को लेकर के भी आ रही है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति उसके लिए एक बेहतर मंच भी प्रदान कर रहा है। मैं एक बार फिर से इस बृहद रोजगार मेला के लिए आप सबको बधाई देता हूं। मैं यहाँ के प्रशासन से और तकनीकी शिक्षा विभाग से कहूंगा हर जनपद में इस प्रकार के रोजगार के मेले लगने चाहिए। दूसरा, डिस्ट्रिक्ट लेवल बैंकर्स कमेटी के साथ जनप्रतिनिधियों की बैठक का क्रम तेज होना चाहिए और हर एक स्तर पर इस कार्यक्रम में जितनी तेजी हम ला पाएंगे उसके उतने बेहतर परिणाम आएंगे। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, आपको शुभकामनाएं देता हूं। देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मनाने जा रहा है, कुछ ही दिनों में हम लोग इस कार्यक्रम के साथ जुड़ेंगे। मैं आप सबसे भी अपील करूंगा 13 से 15 अगस्त हर घर तिरंगा के साथ हम सब जुड़ेंगे। हर घर तिरंगा भारत के आन बान और शान का प्रतीक, भारत के अमर शहीदों के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करने और भारत के आजादी के महोत्सव के साथ प्रत्येक नागरिक की भागीदारी को सुनिश्चित करता है। हम सभी इस अभियान का हिस्सा बनेंगे इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद। कौशल विकास एवं महिला सशक्तिकरण विषयक महिला अध्ययन केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में गोरखपुर विश्वविद्यालय के संवाद भवन में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसके मुख्य अतिथि व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने दीप प्रज्वलित करके इस कार्यशाला का शुभारंभ किया तथा कार्यशाला के दौरान अपने कौशल के दम पर रोजगार हासिल करने वाली छात्राओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। जिसके संबंध में व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय की बात करते थे, समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति तक शिक्षा और रोजगार पहुंचाने की बात करते थे। केंद्र और प्रदेश सरकार अपनी नीतियां किसी रीजन के साथ बना रही है। प्रदेश सरकार 80,000 करोड़ के स्टार्टअप को बढ़ावा दे रही है क्योंकि एक व्यक्ति आजीवन एक विद्यार्थी के रूप में कुछ ना कुछ सीखता रहता है। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के नेतृत्व में लगातार महिलाओं के लिए कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अंजू चौधरी सहित प्रोफेसर, शिक्षक एवं छात्र छात्राएं मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रोफेसर दिव्या रानी सिंह एवं व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा, विद्यार्थी नंबर 25 है, मैं आप सभी का हाथ जोड़कर अभिनंदन
मैं प्रोफेसर दिव्यारानी सिंह, यहाँ पे मैं गृह विज्ञान विभाग। आज का कार्यक्रम कौशल विकास को नहीं था, क्योंकि हम सभी NEP 2020 के माध्यम से बच्चों को कौशल विकास के बारे में बता रहे हैं, पढ़ाना भी शुरू कर दिया है। लेकिन जब हमारे बीच में जो इसके लीडर्स हैं वो जब आते हैं और वो बच्चों को मोटिवेट करते हैं, तो बच्चों को ज़्यादा सुगमता से समझ में आता है कि अगर वो कौशल विकास पर अपना ध्यान देंगे तो वो बहुत स्वावलंबन की तरफ ज़रूर आगे बढ़ेंगे। तो इसी चीज़ को लेकर के महिला अध्ययन केंद्र और गृह विज्ञान विभाग की तरफ से यह कार्यक्रम का आयोजन हुआ था, जो कुलपति जी के निर्देशन में हुआ। और हमारे जो आज के मुख्य अतिथि थे श्री कपिल देव अग्रवाल जी, जो ऑनरेबल मिनिस्टर हैं मिनिस्ट्री ऑफ वोकेशनल एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट के, वो आज हमारे बीच में थे। और उन्होंने बहुत सारी बातें जैसे कि, और उन्होंने हमें ये भी बताया है कि वो शायद हमारे विश्वविद्यालय में कौशल विकास केंद्र की स्थापना भी बहुत जल्दी ही कुछ चीज़ों को ध्यान में रखते हुए करेंगे, जिससे हमारे बच्चों को मौका मिलेगा कि वो स्वावलंबन और कौशल को सीखते हुए स्वावलंबन, पढ़ते हुए स्वावलंबन की तरफ कैसे अपने आप को आगे बढ़ाएं। जी, उन छात्राओं को प्रशस्ति पत्र इसलिए भी दिया गया क्योंकि ये छात्राएं जो है वो हमारी टॉर्च बेयरर हैं, ये पढ़ाई के साथ साथ रोजगार भी कर रही हैं कौशल के माध्यम से ही। इसमें से कुछ छात्राएं जो हैं जो हस्तशिल्प के माध्यम से ऑर्डर्स लेती हैं, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर इनका अकाउंट है, वहाँ पर ऑर्डर ले रही हैं, अभी फ्रीलांसिंग के थ्रू फिलहाल पॉकेट मनी ही अपना अर्जित कर रही हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी प्रेरणा है क्योंकि इनके छोटे ही उद्यम से जो आसपास मेरे साथ में पढ़ने वाली बच्चियां हैं उन तक ये मैसेज पहुंच रहा है कि यह कितना ज़रूरी हो गया है, और इससे अगर वो आत्मनिर्भर बनती हैं तो आगे का जीवन उनका बहुत सुगम होगा। आज ये महिला सशक्तिकरण के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उनके नेतृत्व में लगातार महिलाओं के लिए चलाए जा रहे इनोवेशन कार्य, और विशेष रूप से हमारा विभाग व्यवसाय शिक्षा कौशल विकास, उसी के ऊपर छात्रों से बातचीत करने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी गोरखपुर विश्वविद्यालय में आज आना हुआ, और बच्चों के साथ इनोवेशन की बातचीत की, बच्चों को मोटिवेट किया और किस प्रकार से राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति के अंतर्गत हम कैसे अपने आप को स्वरोजगार से जोड़ करके, कौशल विकास से जोड़ करके अपने आप को स्वावलंबी बना सकते हैं, और कैसे उत्तर प्रदेश के अंदर $1 trillion इकोनॉमी उसको डेवलप करने का काम कर सकते हैं, उन्हीं सब बिंदुओं पर बातचीत हुई है और बहुत सुंदर कार्यक्रम हुआ है।
धन्यवाद। बच्चों को प्रशस्ति पत्र दिएगा, जो बच्चे कौशल विकास के अंदर नया इनोवेशन कर रहे हैं उनको भी प्रशस्ति पत्र देगा। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर मंडल के विकास कार्य एवं कानून व्यवस्था तथा निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक, IGRS व जन शिकायतों का प्रभावी ढंग से निस्तारण करने के साथ आयुष विश्वविद्यालय कुशीनगर मेडिकल कॉलेज तथा BRD मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशलिस्ट ब्लॉक के कार्यों की जाँच के लिए अलग अलग कमेटी बनाकर एक सप्ताह में रिपोर्ट प्रेषित करने के दिए निर्देश। CM योगी ने हिंदू सेवाश्रम एवं यात्री निवास दोनों स्थानों पर जनता दर्शन में 1000 से अधिक फरियादियों की सुनी फरियाद। फरियादियों की समस्याओं का त्वरित व संतुष्टि परक निस्तारण के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। फरियादियों के साथ आए नौनिहालों को दुलार कर आशीर्वाद संग दिया चॉकलेट गिफ्ट। वृहद रोजगार मेला एवं सेवायोजित प्रशिक्षणार्थियों के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रदेश में हर परिवार से एक सदस्य को रोजगार देगी सरकार। यूपी में शुरू होने जा रहा है प्रत्येक परिवार की स्किल मैपिंग का अभियान। रोजगार से वंचित नहीं रहेगा प्रदेश का एक भी परिवार। कौशल विकास एवं महिला सशक्तिकरण विषयक महिला अध्ययन केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में कार्यशाला का किया गया आयोजन। अपने कौशल के दम पर रोजगार हासिल करने वाली छात्राओं को प्रमाण पत्र देकर व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने किया सम्मानित। कहा, 80,000 करोड़ के स्टार्टअप को बढ़ावा दे रही है प्रदेश सरकार। CM योगी ने नगर निगम की 125 करोड़ रुपए की लागत वाली 422 परियोजनाओं का किया लोकार्पण शिलान्यास। कहा, 5 वर्षों में बदल गई है गोरखपुर की तस्वीर। कभी मच्छर माफिया के लिए था बदनाम गोरखपुर, आज विकास है नई पहचान। आइए मिलकर बनाएं गोरखपुर को सुंदरतम नगर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10 इलेक्ट्रिक बस, 25 कूड़ा वाहन, 2 वाटर टैंक वाहन तथा 2 टूरिस्ट इलेक्ट्रिक बस को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। कहा, महानगर वासियों के लिए एक सौगात है 39 नए वाहन। और इलेक्ट्रिक बसों के बने चार्जिंग स्टेशन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 किन्नर रजनी और कृतिका को दी नौकरी। किन्नर समुदाय के लोगों को नौकरी मिलने पर महामंडलेश्वर कनकेश्वरी नंदगिरी ने CM योगी के प्रति जताया आभार। कहा, किन्नर समुदाय को समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए काम कर रहे हैं CM योगी। पेगस निशान गोरखपुर का एकमात्र निशान डस्टन का एक्सक्लूसिव शोरूम और वर्कशॉप। जी हाँ, सही सुना आपने। जिन गाड़ियों के खरीदने के लिए या सर्विसिंग के लिए आपको गोरखपुर से बाहर जाना पड़ता था, अब पेगस निशान लाए हैं ये सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। पेगस निशान सेल्स सर्विसेज एंड स्पेयर्स, भारत पेट्रोलियम के अपोजिट, नौसर गोरखपुर। हमारी तरफ से विशेष ऑफर, निशान डस्टन गाड़ी की खरीद पर फ्री इंश्योरेंस। Conditions apply.
रॉयल लोगों की रॉयल पसंद रेड रॉयल चाय। मटको मंगलम टावर गोलघर के यहाँ कपड़े खरीदे भी, सिलवाए भी और ड्राईक्लीन भी करवाएं। दो की ड्राईक्लीन पर एक कपड़ा मुफ्त। फ्री होम डिलीवरी और पिकअप के लिए कॉल करें 9044663300। ISL इंस्टीट्यूट फॉर सिंप्लीफाइड लर्निंग दिल्ली के वेल क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस टीचर्स द्वारा संचालित ISL इंस्टीट्यूट फॉर सिंप्लीफाइड लर्निंग खजांची चौक नियर स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर। स्पेशल कंसेशन इन फी फॉर EWS एंड BPL कैटेगरी स्टूडेंट्स। अधिक जानकारी के लिए हमारे इन दो मोबाइल नंबरों पर संपर्क कीजिए 8853596 46। दूसरा मोबाइल नंबर है 7905844992। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कभी मच्छर और माफिया के लिए बदनाम रहे गोरखपुर की तस्वीर पिछले 5 वर्षों में पूरी तरह बदल गई है। कल को जो शहर पहचान को मोहताज था, आज उसकी नई पहचान पूरे देश में चमक रही है। गोरखपुर ने 5 वर्षों में विकास की लंबी छलांग लगाई है। अब हम सभी को मिलकर इसे सुंदरतम नगर बनाना है। यह बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को योगी राजबाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में नागरिकों से कही। वह यहां नगर निगम की तरफ से आयोजित 125 करोड़ रुपए की लागत वाली 422 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण व शिलान्यास समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि लंबे समय तक गोरखपुर के युवाओं के सामने पहचान का संकट था। यहां के व्यापारी को बाहर के उद्यमी उधार नहीं देते थे, युवाओं को बाहर नौकरी नहीं मिलती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन में यहां के नागरिकों ने खुद को विकास के साथ जोड़ा तो 5 साल में परिस्थितियां पूरी तरह बदल गईं। पहचान के संकट से उबरकर यहां का नौजवान हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज गोरखपुर में दिल्ली व मुंबई जैसी चौड़ी सड़कें हैं। गोरखपुर में एम्स है, खाद कारखाना चालू हो चुका है, BRD मेडिकल कॉलेज सुपर स्पेशलिटी सेवा दे रहा है, गोरखपुर में जू है। यहाँ के रामगढ़ ताल जैसी झील पूरे देश में कहीं नहीं है। शहर से जितना नज़दीक एयरपोर्ट गोरखपुर में है वह पूरे देश में कहीं और नहीं नज़र आता। गोरखपुर में कनेक्टिविटी बढ़ी है, आवागमन आसान हुआ है और नागरिकों के लिए सुविधाएँ बढ़ी हैं। एक वह भी समय था जब 12 से 1500 लोगों का कार्यक्रम करने के लिए दिक्कत होती थी, बारिश होने पर कार्यक्रम टाल दिया जाता था। आज गोरखपुर में इसके लिए बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह है। गोरखपुर में शानदार रोड कनेक्टिविटी का उल्लेख करते हुए CM योगी ने कहा कि आज गोरखनाथ मंदिर, मेडिकल कॉलेज, महादेव झारखंडी, सहजनवा, किसी भी तरफ चले जाइए 4 लेन की सड़कें मिलेंगी। कालेसर, जंगल कौड़िया बाईपास, जेल बाईपास का निर्माण युद्ध स्तर पर हो रहा है। वाराणसी मार्ग पर भी 4 लेन जल्द बनकर तैयार हो जाएगा। आज रात में गोरखपुर की सड़कों पर जब लाइट चमकती है तो बाहर से आने वाले लोग अचंभित हो जाते हैं। इसी गोरखपुर में लोग गंदगी और यहाँ के माहौल से आने में डरते थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास का कोई विकल्प नहीं होता, विकास कार्यों के संरक्षण की सामूहिक जिम्मेदारी होती है, हर एक नागरिक को इसके साथ जुड़ना होता है। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों के ही क्रम में गोरधुइया की पहली बार सफाई कराई गई है, नाले के दोनों तरफ पक्की सड़कें बनवाई जाएंगी, साथ ही इसमें गंदा पानी ना गिरे इसके लिए अलग से पाइप डाला जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गोरखपुर की ई बस सेवा को सबने सराहा है। अब पिपराय, चौरी चौरा, गोरखपुर ग्रामीण, कैंपियरगंज, सहजनवा, बांसगांव के विधायकों ने भी अपने क्षेत्रों के लिए इलेक्ट्रिक बसों की मांग की है। 10 नए इलेक्ट्रिक बसें इन क्षेत्रों से जुड़ेंगी और लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी का लाभ मिलेगा। सीएम योगी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार हर संकट में नागरिकों के साथ खड़ी है। कोरोना काल में सरकार ने नागरिकों को संकट से बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी, मुफ्त राशन, जांच, इलाज व वैक्सीन की सुविधा दी। उन्होंने कहा कि गोरखपुर पूरे पूर्वांचल के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार का बड़ा आधार है। हम सभी को इस जनाकांक्षा के अनुरूप गोरखपुर को सुंदरतम नगर बनाना है। लोकार्पण व शिलान्यास समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को मंच पर सम्मानित किया। उन्होंने कुछ नए वाहन चालकों को रोजगार प्रमाण पत्र प्रदान किया, सफाई कर्मियों को सम्मानित किया तथा PM आवास योजना के तहत
लाभार्थियों को उनके आवास की प्रतीकात्मक चाबी सौंपी। इस दौरान उन्होंने दो ट्रांसजेंडर को भी रोजगार पत्र प्रदान किया। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार में किसी भी योजना में भेदभाव नहीं किया जाता है, समरस समाज ही हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह, महापौर सीताराम जायसवाल, विधायक विपिन सिंह, राजेश त्रिपाठी, प्रदीप शुक्ला, डॉक्टर विमलेश पासवान, प्रमुख सचिव सूचना संजय प्रसाद, भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, नगर निगम के उप सभापति ऋषि मोहन वर्मा, नगर आयुक्त अविनाश सिंह समेत बड़ी संख्या में अधिकारी व नागरिक उपस्थित थे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए विधायक राजेश त्रिपाठी एवं महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा, बाराजी बाराजी
अब मन होता हुआ हमारे देश में हम सभी उत्तर प्रदेश की माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हार्दिक स्वागत वंदन एवं अभिनंदन करते हैं। भारतीय संस्कृति एवं सनातन मूल्यों के बोध के परिचायक उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का इस सभागार में भाषण के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं मनुष्य के संरक्षक परम श्रद्धेय गोरक्ष पीठाधीश्वर श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज मंच पर आसीन समस्त जनप्रतिनिधिगण का प्रसारण एवं प्रिंट मीडिया का स्वागत एवं अभिनंदन। स्वागत की परंपरा को कायम रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पुष्पकलिका प्रदान करके जनमानस की ओर से स्वागत एवं स्वागत के लिए हम आदरणीय नगर आयुक्त महोदय से अनुरोध करने का स्वागत करें। तत्पश्चात उत्तर प्रदेश के विकास के द्योतक परम श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विनम्र अनुरोध है कि आप अपने कर कमलों से त्वमादिदेव पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम निदानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धामम् त्वया कतम विश्वमनंतरूपम्। परम पिता परमेश्वर के चरणों में हम वंदना करते हैं। गोरखपुर के जनमानस समस्त आगे बढ़ता रहे। कर्पूर गौरम करुणार्कारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं समस्त अतिथिगणों के सानिध्य मंच पर आसीन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्वागत उद्बोधन के लिए हम सर्वप्रथम माननीय महापौर महोदय से अनुरोध करते हैं। पार्षदों की तरफ से और अपने सभी अधिकारियों के तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित है हमारे लोकप्रिय विधायक विपिन सिंह जी। कोई व्यक्ति भूखा न रहे, विपिन सिंह जी सुबह से लेकर शाम तक अपने क्षेत्र का दौरा करते रहते हैं। मैं देखता हूँ, मैं भी स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। श्री साधना सिंह जी जिला पंचायत अध्यक्ष विधान परिषद में भेजा गया है। इनके नेतृत्व में इनके क्षेत्र के हम लोगों ने सभी सीटें जीती है। भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी महाराज जी के कंधों से कंधा मिलाकर सरकार के कामों को जनता तक पहुंचाने के लिए सहयोग करेंगे, ये हमारे बीच में आए हैं। आज पहली बार सार्वजनिक इस कार्यक्रम में नगर निगम के आए हैं। मैं इनका गोरखपुर के जनता की तरफ से और क्षेत्र के जनता के तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। इनके इनके परम सहयोगी गोरखपुर को आधुनिक सिटी बनाने के लिए महाराज जी सब बताएंगे, बहुत सारी घोषणाएं आज करने वाले हैं। मंत्री गोरक्ष पीठाधीश्वर पूज्य महाराज श्री हमारे यशस्वी पूज्य महाराज जी ने जिनको अभी संगठन के कार्यों के नाते एक तोहफा दिया है मित्रों, ऐसे हमारे बड़े भाई डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह हमारे महानगर के सम्मानित अध्यक्ष राजेश गुप्त जी नौजवानों को
रोजगार का सर्टिफिकेट, नौकरी की का सर्टिफिकेट देकर के पूज्य महाराज इस कार्यक्रम में आए हैं। हम ऐसे अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देंगे जो दिन रात काम करते हैं आपके लिए, समाज के लिए, देश के लिए। मित्रों मित्रों हमारे कई पार्षद बंधु यहाँ बैठे हुए हैं, आप लोगों का भी कार्यकाल अब समाप्ति की ओर है। हम चाहेंगे कि आप दोबारा चुन के हमें, और बेहतर काम आपने किया है। चंद समय बचे हैं, महापौर जी के नेतृत्व में आप लोग और जनता के बीच में रहिए। यह गोरखपुर की पहचान पूज्य महाराज जी से है, बाबा गोरक्षनाथ जी से है, तो ऐसे गोरखपुर का सम्मान बढ़ाना आप सबका दायित्व होता है। मित्रों दिन रात एक करके आने वाले महानगर के चुनाव में भाजपा का परचम लहराइएगा। आपके पार्षद होंगे, आपके महापौर होंगे, आपके मुख्यमंत्री होंगे, आपका विधायक होगा, तो निश्चित साथियों जितना काम गोरखपुर में हुआ है आगे कुछ शेष नहीं रह जाएगा, क्योंकि आपने फिर पूज्य महाराज जी को 5 साल के लिए उत्तर प्रदेश की गति पर बैठा दिया। मित्रों पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में नमन करते हुए आप सभी को धन्यवाद देते हुए अपनी बारी को देता हूँ विराम। जय जय श्री राम। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय की कर्मियों से रोजगार उत्कर्ष मिश्रा जी सम्मान एवं प्रकाश मिश्रा जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से रोजगार तक तत्पश्चात श्री जय प्रकाश जी, सन ऑफ श्री सहदेव जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से रोजगार पत्र को प्राप्त करते हुए सम्मान प्राप्त करते हुए अरविंद सिंह जी, सन ऑफ श्री हरिशंकर जी अपना रोजगार पत्र माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से प्राप्त करते हुए उसके पश्चात श्री ध्यानचंद जी, सन ऑफ श्री श्री ध्यानचंद जी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से प्राप्त करते हुए नगर बस सेवा के ड्राइवर श्री प्रेम जी नगर सिटी बस के ड्राइवर श्री रामजीत जी अपना रोजगार पत्र प्राप्त करते ड्राइवर, तत्पश्चात गोधरिया महोदय के कर कमलों से सम्मानित किया जाएगा। इंदर जी के पश्चात श्री हरिशन जी, श्री हरिशन जी तालियां बजती रहनी चाहिए। ये वो लोग हैं जो हमारे समाज में अभूतपूर्व कार्य कर रहे हैं। श्री अकालू जी, हम पुष्पों के द्वारा इनके स्वागत के लिए इनके श्री विक्रम जी उत्कृष्ट कार्य के क्षेत्र में करने वाले सफाई कर्मी, भारत को स्वच्छ बनाने के लिए उत्कृष्ट सेवा देने वाले सफाई कर्मी श्रीमती शीला जी मान होना चाहिए। ये वो लोग हैं जो हमारे समाज को स्वच्छता के लिए अपना सदैव योगदान देते हैं। इसके पश्चात श्री गुलाम जी पुत्र श्री करामत अली धर्मशाला बाजार जब भी आवश्यकता पड़ी है आप सदैव स्वच्छता के लिए ये सफाई योजना में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से अपने के लिए हम आमंत्रित करते हैं श्रीमती रमावती देवी जी वाइफ ऑफ श्री अर्जुन निषाद जी विश्वा कॉलोनी से, श्री शिव प्रकाश मिश्रा जी रहने के लिए आचार्य हुए। हम आमंत्रित करते हैं आप मंच पर आएं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से अपने निवास की चाबी को प्राप्त करें। श्री श्याम बहादुर जी मिठाई ले जाओ घर में, एक दिन सभी दो बच्चों को खिलाना बहुत है। ये सुखद क्षण अपना निवास प्राप्त करते हुए इसके पश्चात स्वनिधि लाभार्थी मंच पर आएंगे जिन्होंने अपना व्यवसाय शुरू किया और अपने श्री प्रमोद शरण जी सन ऑफ स्वर्गीय राम शरण जी मंच पर आप आ जाए। विनोद कुमार जी के बाद सीएसपी शॉप है
नगर निगम गोरखपुर के स्वावलंबी बनने के लिए सहयोग प्रदान किया गया और आज स्वावलंबी बने। अंत में नगर बस सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए ट्रांसजेंडर कृतिका जी को हम मंच पर आमंत्रित करेंगे आकर के आज समाज में आगे बढ़ने के लिए तत्पर। कृतिका जी ट्रांसजेंडर और रजनी जी ट्रांसजेंडर जो नगर बस सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए आज समाज को लोगों को एक नई प्रेरणा देने के लिए तत्पर है कि प्रत्येक मनुष्य माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से विभिन्न योजना सेवाओं में गोरखपुर में 125 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण कार्यक्रम संपन्न होता हुआ कर्तव्य ध्वनि गोरखपुर के महानगर क्षेत्र के परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए आयोजित आज के कार्यक्रम ठीक है भैया। अरे भाई गड़बड़ आना नहीं भाई, हाथ तो नहीं लगाऊंगा मैं। महापौर सर आ रहा है तुम्हारा राजू सर, हम बैठ जाएंगे। श्री सीताराम जायसवाल जी, अरे यार सर आ रहा है। जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह जी, हमारे माननीय विधायक श्री विपिन सिंह जी, श्री फतेह बहादुर सिंह जी, श्री राजेश त्रिपाठी जी, डॉक्टर बिमलेश पासवान जी, श्री प्रदीप शुक्ला जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, महानगर अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी, उप सभापति नगर निगम कार्यकारिणी श्री ऋषि मोहन वर्मा जी, नगर निगम के सभी पार्षदगण, गोरखपुर नगर निगम के आयुक्त समेत सभी अन्य अधिकारीगण और गोरखपुर के हमारे सभी महानगर के सभी नागरिक भाइयों बहनों, आज मुझे एक साथ लगभग 125 करोड़ रुपए की लागत की नगरीय योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में आप सबके साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं इसके लिए नगर निगम परिवार को, महापौर जी को, सभी पार्षदों को और पूरे महानगर वासियों को इन सभी योजनाओं के प्राप्त होने पर हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। हम सब जानते हैं पिछले 5 वर्ष के अंदर गोरखपुर ने अपनी पूरी तस्वीर बदली है। आज गोरखपुर अपनी एक नई पहचान बनाया है। कभी पहचान के लिए मोहताज गोरखपुर था। गोरखपुर को लोग माफिया और मच्छर के नाम पर जानते थे। हमारे गोरखपुर महानगर के युवाओं के सामने पहचान का संकट था। गोरखपुर का व्यापारी अगर कहीं उधार कोई सामान लेने का इच्छुक होता था तो कोई भी देश का उद्यमी उसे नहीं देता था। नौजवान को कोई नौकरी नहीं देना चाहता था। लेकिन पिछले 5 वर्ष के अंदर जो कार्यक्रम गोरखपुर के अंदर हुए और विकास की जिस लंबी छलांग को लेकर के गोरखपुर ने अपनी कार्य योजना को आगे बढ़ाया है, आज हम कह सकते हैं गोरखपुर की सड़कें भी दिल्ली और मुंबई जैसी चौड़ी चौड़ी सड़कें गोरखपुर महानगर के अंदर। गोरखपुर में एम्स है, बंद पड़ चुका खाद कारखाना फिर से चालू हो चुका है। भैया 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 बीआरडी मेडिकल कॉलेज सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के साथ फिर से संचालित हो चुका है और गोरखपुर में अब गोरखपुर का अपना जू है। गोरखपुर जैसा रामगढ़ ताल देश के अंदर किसी अन्य नगर के पास नहीं है। इतनी अच्छी सुंदर झील किसी और के पास नहीं है। एयरपोर्ट महानगर से इतना नजदीक हो देश के अंदर कहीं देखने को नहीं मिलेगा। फोटोग्राफर अपने यानी कनेक्टिविटी बेहतर हुई है।
मतलब आवागमन आसान हुआ है, सुविधाएं बढ़ी हैं। आज से 5 साल पहले अगर हमें 1200-1500 लोगों का कोई कार्यक्रम करना होता था तो बरसात के कारण स्थगित हो जाता था। आज आपके पास योगीराज बाबा गंभीर नाथ जी के नाम पर यह सभागार और ये ऑडिटोरियम भी आपके पास है। सब कुछ आज गोरखपुर के पास है और उन्हीं सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए शासन स्तर पर बड़े बड़े कार्य स्वीकृत हुए हैं। आज आप चले जाइए गोरखनाथ रोड पर 4 लेन की मिलेगी, चले जाइए मेडिकल कॉलेज रोड पर 4 लेन की मिलेगी, चले जाइए महादेव झारखंडी रोड पर 4 लेन की मिलेगी, आप चले जाइए सहजनवा मार्ग पर 4 लेन की मिलेगी, गोरखपुर में बाईपास कालेसर से लेके जंगल कोडिया के बीच में बन चुका है, वाराणसी के बीच में 4 लेन की कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है, गोरखपुर में जेल बाईपास का भी निर्माण युद्ध स्तर पर आगे बढ़ चुका है और तमाम अन्य कार्यक्रमों के साथ आज जब गोरखपुर की सड़कों की लाइट रात्रि को चमकती है तो हर व्यक्ति अचंभित रहता है जो 5 साल के बाद गोरखपुर में आया होगा, सोचता क्या यही वही वही भाई गोरखपुर है क्या, जहां पहले गंदगी का ढेर होता था, जहां पर लोग आने में डरते थे, जहां पे कोई व्यक्ति गोरखपुर किसी की पोस्टिंग होती थी तो ये माना जाता था कि यह उसको दंड किया दिया जा रहा है। लेकिन आज गोरखपुर ने अपने पहचान से मुक्त होकर के एक नई पहचान के साथ आगे बढ़ा, आज गोरखपुर विकास के बारे में सोचता है, आज गोरखपुर का नौजवान जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और अलग अलग क्षेत्रों में आगे बढ़ करके एक नई प्रतिष्ठा कमा रहा है। और ये सब कुछ हुआ है गोरखपुर के प्रत्येक नागरिक ने जो विकास का एक संकल्प लिया और संकल्प के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप अपने आप को आगे बढ़ाने के संकल्प के साथ जब आगे बढ़ा है तो विकास की इस प्रक्रिया का लाभ स्वयं भी प्राप्त कर रहा है, अपनी वर्तमान और भावी पीढ़ी को भी देने के लिए संकल्पित होकर के कार्य कर रहा है। तो विकास के कार्य बड़े बड़े कार्य केंद्र और राज्य सरकारें कर रही हैं, तो गली मोहल्लों के अंदर के कार्य को भी केंद्र राज्य सरकार उसमें सहयोग करके या नगर निगम जैसी संस्थाएं या हमारे जनप्रतिनिधियों के द्वारा सहयोग करके ये सभी कार्यक्रम धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस कार्यक्रम के पहले इतने बड़े कार्यक्रम को मैंने मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में अभी उसको वहां पर शुभारंभ किया है। आप सोचिए आज ही मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में गोरखपुर समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश के लगभग 10,000 युवाओं को हम लोग वहां के रोजगार पत्र देने जा रहे हैं। 136 प्रतिष्ठित कंपनियां देश की वहां पर आई हुई है, नियुक्ति पत्र वहीं के माध्यम से हम लोगों को वितरित करने जा रहे हैं। बृहद पैमाने पर सारे कार्यक्रम चल रहे हैं और ये कार्यक्रम इसलिए जिससे गोरखपुर के प्रत्येक नौजवान के जीवन में और गोरखपुर के प्रत्येक नागरिक के मन में विकास के प्रति एक नई लालसा पैदा हो। आपने देखा होगा अभी मंच पर हम लोगों ने अनेक प्रकार के लोगों को यहाँ पर सम्मानित करने का काम किया, इसमें नगर निगम के द्वारा यहाँ पर जो अनेक कार्यक्रम बनाए गए हैं यानी लोकार्पण और शिलान्यास के तो कार्यक्रम संपन्न हुए ही है, लेकिन साथ साथ यहाँ पर हम लोगों ने तमाम लोगों को रोजगार के भी कार्यक्रम दिए हैं, नियुक्ति पत्र दिए हैं, उनका सम्मान किया है, उन्हें हर प्रकार से आगे बढ़ाने का काम भी किया है। गोरखपुर में अब इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू हो चुकी है और मुझे प्रसन्नता है कि गोरखपुर की इलेक्ट्रिक बस सेवा को सबने सराहना की है और बहुत अच्छी सेवा दे रहे हैं। अब मेरे पास ये भी मांग आती थी, मेरे पास पिपराइच के विधायक, चोरी चोरा के विधायक, कैंपियरगंज के विधायक, गोरखपुर ग्रामीण के विधायक, सहजनवा के विधायक, बांसगांव के विधायक, इन सब ने मुझसे मांग की कि गोरखपुर महानगर के अंदर इलेक्ट्रिक बस सेवा प्रारंभ हो चुकी है, अगर ये पिपराइस से भी प्रारंभ हो जाए, चोरी चोरा से प्रारंभ हो जाए, पीपीगंज से भी प्रारंभ हो जाए, सहजनवा से भी प्रारंभ हो जाए, कौड़ीराम से भी प्रारंभ हो जाए,
आज हम लोग इन सभी जगहों से 10 नई इलेक्ट्रिक बसेज का शुभारंभ करने जा रहे हैं, जो इन सभी क्षेत्रों को भी जोड़ने का काम करेगा। यानी कनेक्टिविटी जितनी अच्छी होगी, लोगों का आवागमन जितना आसान होगा, उतना ही लोगों के जीवन में सहजता होगी, सरलता होगी और उनके कार्य उतनी तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। लेकिन ये सब तब होता है जब हम सब मिलकर के कार्य करते हैं और विकास की एक सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। हमने देखा होगा गोड़दोहा नाले कोई सफाई की बात ही नहीं करता था, पहली बार गोड़दोहा नाले की भी सफाई हुई और अब उसको हम पक्का करने जा रहे हैं, उसके दोनों तरफ भी सड़क बनाने जा रहे हैं जिससे लोगों का आवागमन भी ठीक हो सके। कोई गंदा पानी उसमें नहीं गिरेगा, लेकिन गंदे पानी के लिए अलग से पाइपलाइन बिछेगी और फिर उसका ट्रीटमेंट करके फिर उसको उस नाले में डाल करके फिर उस नाले को एकदम साफ पानी उसके साथ टूटता हुआ दिखाई देगा। आवागमन कितना आसान और सरल बनाने का कार्य हो रहा है ये आज आप गोरखपुर के अंदर देख सकते हैं। और इसीलिए आज जब विकास की इस प्रक्रिया के साथ हम जुड़े हैं, हम लोगों ने 5 वर्षों में एक लंबी दूरी तय की है। आज प्रधानमंत्री आवास योजना है तो पीएम स्वनिधि के माध्यम से स्ट्रीट वेंडर को व्यवस्थित पुनर्वास की प्रक्रिया के साथ जोड़ने का काम भी हो रहा है। पहली बार आपने देखा होगा स्ट्रीट वेंडर के लिए भी कोई योजना बन रही है, स्ट्रीट वेंडर को व्यवस्थित पुनर्वास की व्यवस्था हो रही है। ठेला खोमचा रेड़ी लगाने वाले जो लोग थे कोई पूछता नहीं था। और मैं नगर निगम से कहूंगा कि हम विकास प्राधिकरण के साथ मिलकर के स्ट्रीट वेंडर को व्यवस्थित पुनर्वास के साथ जोड़ने का कार्य करें व्यवस्थित रूप से, जिससे सड़कों से अतिक्रमण भी हटे लेकिन साथ साथ उनको व्यवस्थित पुनर्वास करके उनके ऊपर आजीविका का कोई संकट भी ना आने पाए और फिर उन्हें बैंकों से लोन दिला करके, सस्ते में लोन दिला करके, डिजिटल पेमेंट के साथ जोड़ करके अगर हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं तो अनेक परिवार, हजारों परिवार और प्रदेश के अंदर लाखों परिवार आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर होते हैं। भाइयों बहनों, जब एक व्यक्ति आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर होता है तो केवल एक व्यक्ति और एक परिवार स्वावलंबन की ओर अग्रसर नहीं होता, प्रदेश स्वावलंबन की ओर अग्रसर होता है। और याद रखना, विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता, अंततः व्यक्ति के जीवन में या उसके पारिवारिक जीवन में या समाज के जीवन में अगर हमें परिवर्तन करना है तो परिवर्तन का आधार विकास ही होगा। और इस विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए आज हम सब यहां पर एकत्र हुए हैं। मुझे प्रसन्नता है नगर निगम ने 422 ऐसी परियोजनाओं को आज यहां पे लोकार्पण के लिए रखा, जिसमें नगरीय क्षेत्रों में पार्कों के सुंदरीकरण का है, सीसी मार्ग का है, जल निकासी का है और भी अन्य कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के कार्यक्रम में तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक बसेज के साथ साथ डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का भी है। मैं भी देख रहा था यहां पर दो ट्रांसजेंडर को भी नियुक्ति पत्र उपलब्ध कराया गया, वे लोग सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। समाज की दृष्टि को बदलने की एक एक, एक अभियान है, उनके प्रति हमारी सोच में बदलाव आना चाहिए। भेदभाव किसी के साथ नहीं होना चाहिए, समाज समरस होकर के आगे बढ़ना चाहिए और ये समता ही हम सब की सबसे बड़ी ताकत होगी। और उस ताकत को आगे बढ़ाने के लिए आज हम सब यहां पर एकत्र हुए हैं, एक साथ मिलकर के कार्य कर रहे हैं। हमें गोरखपुर को सुंदरतम नगर बनाना है, क्योंकि गोरखपुर का मतलब केवल गोरखपुर नहीं होता, गोरखपुर महानगर पूरे गोरखपुर जनपद के साथ साथ पूर्वांचल के व्यापार, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब का आधार भी है। और इस सभी के लिए हमें बेहतरीन सुविधा उपलब्ध करानी है। गोड़दोहा नाले की सफाई के लिए जिन नाविकों ने योगदान दिया था उनको भी आज सम्मान किया गया है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक बस चालकों को और अन्य लोगों को भी ये सुविधा यहां पर उपलब्ध करवाई गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना बड़े पैमाने पर गोरखपुर महानगर के अंदर बन रहे हैं। मैं देख रहा था यहाँ पर कुछ महिलाएं अभी जब प्रधानमंत्री आवास योजना का आवास लेकर के लिए सर्टिफिकेट लेने के लिए आ रही थी तो उन्होंने अपने आवास को मुझे दिखाया कि देखिए हमने कितना अच्छा आवास बना दिया, सरकार 2.5 लाख दे रही है और हमने इसका उपयोग बेहतर तरीके से किया, मेरा बहुत अच्छा आवास बन गया। एक व्यक्ति के लिए जिसने कभी पक्का मक्का नहीं देखा, सरकार की योजनाओं को उपलब्ध कराना,
उसके जीवन में एक परिवर्तन है। और सरकार हमेशा संकट के समय आपके साथ खड़ी है। आपने देखा होगा कोरोना महामारी में सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी, किसी व्यक्ति को भूखा नहीं रहने देंगे, फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध करवाई, फ्री में वैक्सीन की व्यवस्था उपलब्ध कराई, फ्री में टेस्ट, सब कुछ सुविधाएं उपलब्ध कराने का कार्य किया। और आवास की सुविधा हो, स्ट्रीट वेंडर के लिए योजना हो, या फिर पर्यटन विकास की ढेर सारी योजनाओं को आगे बढ़ाने का, आज महानगर के अंदर अनेक स्थल ऐसे हो चुके हैं जो पहले जीर्ण शीर्ण थे, बाबा मुक्तेश्वरनाथ मंदिर हो, बाबा झारखंडी मंदिर हो, सूरज कुंड का हो, मानसरोवर मंदिर हो, मोदीपुर गुरुद्वारा हो, पैंडलीगंज गुरुद्वारा हो, जटाशंकर गुरुद्वारा हो, इन सभी के लिए कुछ ना कुछ वहां की कनेक्टिविटी है, कहीं सुंदरीकरण के कार्यक्रम को जोड़ने का कार्यक्रम हो या कोई भी अन्य कार्यक्रम, ये तेजी के साथ आगे बढ़ाने के कार्यक्रम चल रहे हैं। ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी बनती है। आपने देखा होगा इससे पहले राजघाट में जाना होता था तो वहां पे कितनी गंदगी रहती थी, कितनी अव्यवस्था रहती थी, आज पक्का घाट बन गया है। ये जब बनता है तो इन सुविधाओं को बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी भी है, सामूहिक जिम्मेदारी। आज गोरखपुर के चौराहे चमकते हुए दिखाई देते हैं, वहां फुहारा चल रहा है, फुहारा लाइटिंग के साथ जुड़ा हुआ है, पब्लिक हेल्थ सिस्टम के साथ जुड़ा है, ITMS के साथ उसको जोड़ने का कार्य हो रहा है कि हर चौराहे पर CCTV कैमरा लगे, एक एक गतिविधि को चौराहे पर होने वाली किसी भी गतिविधि को कैद करके किसी भी प्रकार की कार्रवाई के लिए वहां पर प्रशासन सदैव सतर्क रह सकता है। और इस दिशा से यह कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं। और मैं आप सबसे ये अपील करूंगा, एक अपनी सिटी को सुंदर बनाने की जिम्मेदारी हम सब की है, सामूहिक रूप से है, हम सब इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं। प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे, ये प्लास्टिक तमाम प्रकार की बीमारियों की जड़ है। और साथ साथ ये हम सब का सौभाग्य है कि हम सब देश की आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में कुछ ही दिनों में 15 अगस्त को हम लोग आजादी का अमृत महोत्सव मनाएंगे। आज 3 अगस्त है, 15 अगस्त को आजादी का अमृत महोत्सव, आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के साथ हम सबको जोड़ना है। और आजादी का अमृत महोत्सव कैसे हो, सबसे पहला काम 13 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त के बीच हर घर तिरंगा का कार्यक्रम होना चाहिए। आप सभी लोग लगाएंगे हर घर तिरंगा, सभी लोग ऊपर नीचे सभी लोग बताओ हर घर तिरंगा, भारत के आन बान शान का प्रतीक तिरंगा हर घर पर लहराया जाएगा, सभी जगह हर व्यक्ति देश की आजादी के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ेगा। और इसलिए हर घर तिरंगा के साथ हमें जुड़ना है और इस कार्यक्रम में एक संकल्प के साथ जुड़ना है कि हम सब सौभाग्यशाली हैं कि देश की आजादी के 75 वर्ष जब पूर्ण हो रहे हुए हैं तब हम इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं। जब आजादी के 100 साल होंगे उस समय का एक संकल्प हमारा होना चाहिए कि 25 वर्षों में हमें अपने उत्तर प्रदेश को, अपने नगर को, अपने वार्ड को किन ऊंचाइयों तक पहुंचाना है। उन ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए हम सबको सामूहिक रूप से अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाना होगा। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से महापौर जी और उनकी पूरी टीम को, सभी पार्षदों को, महापौर जी को, नगर निगम के उप सभापति ऋषि मोहन वर्मा जी को, अपने सभी विधायकों को हृदय से बधाई देता हूं, पूरे महानगर वासियों को इन सभी परियोजनाओं के लिए हृदय से बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त करता हूं कि नगर निगम गोरखपुर महानगर के साथ साथ हमारे सभी जनप्रतिनिधि मिलकर के गोरखपुर जनपद को एक आदर्श के रूप में आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद। बिल्कुल साइड से करना, साइड से बस साइड।
456 योजनाओं का 122 करोड़ रुपए की लागत से या तो आज शिलान्यास किया गया या फिर उसका लोकार्पण किया गया। गोरखपुर देश के नक्शे पर एक बेहतरीन शहर बने, आम आदमी एक शानदार ज़िंदगी जिए, उसके लिए जो योगी सरकार और मोदी सरकार कार्य कर रही है, उसी परिप्रेक्ष्य में आज का ये शिलान्यास लोकार्पण कार्यक्रम है, ये उसकी एक कड़ी है। मुख्यमंत्री द्वारा 122 करोड़ 15 लाख की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया, ये हमारे गोरखपुर के लिए बहुत ही गर्व की बात है। गोरखपुर के विकास में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में हमारे सारे पार्षदों ने, हमारे अधिकारियों ने एक टीम रूप के रूप में काम किया है और गोरखपुर में जितनी भी विकास की योजनाएं आई है केंद्र सरकार या राज्य सरकार के, उसके 100% पूरा किया है, साथ के साथ उससे भी ज़्यादा करने का नगर निगम प्रयास कर रहा है। हमें उम्मीद है, हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी के निर्देश में गोरखपुर भारतवर्ष के अपना अग्रगणी भूमिका निभाएगा और इसको सबसे ऊंचे स्थान पर ले जाने का हमारे पार्षद, हमारे सभी जनता मिलकर के प्रयास करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी का हमारा संदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महानगर वासियों को बेहतर वाहन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए नगर निगम द्वारा तारामंडल स्थित बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह से 10 इलेक्ट्रिक बस, 25 कूड़ा वाहन, 2 वाटर टैंक वाहन तथा 2 टूरिज्म इलेक्ट्रिक बस सहित कुल 39 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके संबंध में ग्रामीण विधायक उपेन्द्र सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 122 करोड़ की परियोजना का लोकार्पण किया है। गोरखपुर के लोगों के लिए एक सौगात है, पुराने इलेक्ट्रिक बसों के साथ 10 और इलेक्ट्रिक नई बस आई है। सफाई के लिए कूड़ा वाहन लोगों की सुविधा के लिए नगर निगम को मिला है तथा विभिन्न जगहों पर टूरिस्ट को घूमने के लिए 2 लग्जरी इलेक्ट्रिक बसें भी मिली हैं। उन्होंने कहा कि गोरखपुर का विकास बहुत तेजी से हो रहा है। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष साधना सिंह, महापौर सीताराम जायसवाल, कैंपियरगंज विधायक फतेह बहादुर सिंह, जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश, SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर, SP सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई, SDM सदर कुलदीप मीणा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए वार्ड नंबर 59 के पार्षद संजय श्रीवास्तव एवं ग्रामीण विधायक विपिन सिंह ने कहा, एवं विभिन्न परियोजनाओं की कुल 45 महापौर एवं माननीय विधायक कैंपियरगंज के सानिध्य में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर गोरखपुर को विकास देते हुए आज एक नवीन आयाम को नगर निगम गोरखपुर की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर्तव्यों से सौंपा जा रहा है। फ्लैग ऑफ करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय आज डॉक्टर गोरखपुर के नगर निगम गोरखपुर की ओर से जीरो टॉलरेंस प्रदूषण मुक्त हमारे समाज को स्वच्छ भारत की ओर सड़क पर बेहतर करने से इलेक्ट्रिक बसों को जी
जीरो एमिशन के साथ जो बच्चे हैं उन्हें हरी झंडी दिखा करके उन्हें सदैव प्रगति पथ पर आगे बढ़ने के लिए अपना भरध्वज संरक्षण भी प्रदान कर रहे हैं। समस्त सम्मानित जनप्रतिनिधिगण आज गोरखपुर के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हम लोग के बीच में परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जो उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं और 125 करोड़ रुपए का 422 परियोजना का आज उन्होंने लोकार्पण किया है। उसमें 10 नया सिटी बस हम लोग को मिला है, 35 कूड़ा वाली गाड़ी हम लोग को मिली है जो घर घर कूड़ा कलेक्शन के लिए हुआ है। बहुत सौभाग्य की बात है गोरखपुर वासियों के लिए। निश्चित है आज पूज्य महाराज जी ने जो 122 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण किया है गोरखपुर के लोगों के लिए सौगात है। और प्रायः योगी जी महाराज जब भी गोरखपुर आते हैं तो गोरखपुर वासियों को नए नए तोहफे रोज दे के जाते हैं। आपके सामने से यहाँ देखें नई सिटी बस जो हमारी 10 आज जुड़ी है उस बेड़े में, भले से सिटी बसें चल रही थी विभिन्न रूटों पर, आज 10 और उसमें प्लस कर दी गई। सफाई के दृष्टिकोण से करीब हमको लगता है 26-27 गाड़ियाँ जो है उसमें नगर निगम के बेड़े में आज सम्मिलित हुई हैं। टूरिस्ट बसें हमारी जो आई हैं, दो बसें अभी आई हैं लग्जरी हैं, उसे टूरिस्ट जो भी आएंगे तो विभिन्न जगहों पर ले जाकर के पर्यटकों को घुमाया जाएगा। और निश्चित है गोरखपुर का आप देखें रामगढ़ ताल परियोजना हमको लगता है भारतवर्ष में ऐसा विहंगम दृश्य कहीं देखने को नहीं मिलेगा जहां आप खड़े हैं। तो इस तरह से गोरखपुर का विकास बहुत तेज़ी से हो रहा है। पूज्य महाराज जी दिन रात सोचते हैं। अभी हम लोग आपके मदन मोहन टेक्निकल यूनिवर्सिटी में भी कार्यक्रम किए हैं, रोजगार मेला था, बृहद रोजगार मेला, उसमें पूरे प्रदेश के नौजवान आए हुए थे, तमाम वहाँ रोजगार के लिए उनको अवसर मिला है, सबको नियुक्ति पत्र जारी हुआ है। तमाम हमारे जितने उद्यमी हैं छोटे बड़े जो रोजगार करना चाहते हैं उनके लिए भी पूज्य महाराज जी ने उनको लोन भी वितरित किया है। इस तरह से काम गोरखपुर में बहुत तेज़ी से हो रहा है और इसी हिसाब से गोरखपुर नहीं उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में बहुत ही भव्य रूप में उत्तर प्रदेश विकसित होने जा रहा है, जिसका अगले 5 सालों में जनता महसूस की है और करेगी भी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महेसरा स्थित इलेक्ट्रिक बसों का बने चार्जिंग स्टेशन पर दो किन्नर रजनी और कृतिका को नौकरी दी है तथा नगर निगम की 125 करोड़ परियोजनाओं के कार्यक्रम में उन्हें सम्मानित भी किया, जिसके संबंध में महामंडलेश्वर कनकेश्वरी नंदगिरी ने बताया कि किन्नर समुदाय के थर्ड जेंडर को दो लोगों को इलेक्ट्रिक बस के चार्जिंग स्टेशन पर नौकरी मिली है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन दो किन्नरों को सम्मानित किया है, यह हमारे समुदाय के लिए गर्व की बात है। वहीं एकता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने कम समय में बहुत बड़ा काम किया है, वह गोरखपुर में किन्नर समुदाय को भी मुख्य धारा में लाने के लिए काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का पहला नगर विकास डिपो गोरखपुर में बना जिसमें किन्नर समुदाय के लोगों को नौकरी मिली है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महामंडलेश्वर कनकेश्वरी नंदगिरी किन्नर एकता एवं किन्नर कृतिका ने कहा, अंत में नगर बस सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए ट्रांसजेंडर कृतिका जी को हम मंच पर आमंत्रित करेंगे आकर के आज समाज में आगे बढ़ने के लिए तत्पर। कृतिका जी ट्रांसजेंडर और रजनी जी ट्रांसजेंडर जो नगर बस सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए आज समाज को लोगों को एक नई प्रेरणा देने के लिए तत्पर है कि प्रत्येक मनुष्य अपने क्रिया प्रतिनिधि महोदय के कर्तव्यों से विभिन्न योजना सेवाओं में बहुत खुशी की बात है और विकास हो ही रही है, सुंदर करना है हमें उत्तर प्रदेश को। और उसी सुंदर में हमारा किन्नर समुदाय में भी जो थर्ड जेंडर हैं नया युवा नया पीढ़ी उनको दो जो इलेक्ट्रिसिटी बस में जो जॉब लगी है आज उनको सम्मान किए मुख्यमंत्री महाराज जी योगी महाराज जी ने, ये बहुत गर्व की बात है और बहुत खुशी की बात है। और हमारे साथ एकता संस्था जिसमें वो सब चेले थे इनके, वो सब मिल के कर ही रहे हैं और मैं बोर्ड की सदस्य हूँ तो मैंने संस्था के साथ भी हूँ। एकता जी से भी पूछ लीजिए। नाम बताइए जी। मेरा नाम एकता है। कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हो रही है देख के कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इतनी बड़ी सारी योजनाओं का मतलब लोकार्पण किया और सबसे बड़ी बात है कि एक साथ उन्होंने बिना किसी समय को गंवाए यानी वो बहुत कम समय में बहुत बड़ा विकास दे रहे हैं गोरखपुर को। जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने बोला कि 5 साल पहले गोरखपुर को आप पहचान नहीं सकते जो आज का गोरखपुर है, तो विकास में तो माननीय मंत्री जी का जो कह सकते हैं विशेष
सहयोग मिल रहा है गोरखपुर को, वो बहुत बड़ी बात है, उपलब्धि है। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं अपने समुदाय के बारे में, क्योंकि मैं किन्नर समुदाय से आती हूं और मैं अपनी संस्था के जरिए किन्नर समुदाय के बच्चों का जो अभी नए अपने लैंगिक समस्याओं से जूझ रहे हैं या घर से प्रताड़ित हो रहे हैं, उनके सहयोग के लिए काम करते हुए मैंने गोरखपुर में नई शुरुआत की। हमारी महामंडलेश्वर माता जी, हमारी उनका आशीर्वाद मिला और उसके जरिए आज वो किन्नर कल्याण बोर्ड की जो सदस्य भी बनी, इसके माध्यम से आज हम अपने गोरखपुर में जो नई पीढ़ी के युवा हैं, जो ट्रांसजेंडर किन्नर समुदाय के बच्चे हैं, उनको भी मुख्यधारा में लाने के लिए काम कर रहे हैं। उसकी पहल हमने गोरखपुर में शुरुआत की। उत्तर प्रदेश का पहला डिपो, नगर विकास डिपो गोरखपुर बना, जिन्होंने किन्नर समुदाय के लोगों को जॉब दिया। ये जॉब में सफलतापूर्वक किन्नर समुदाय के व्यक्ति अच्छे से काम कर रहे हैं। ये बच्चों का विशेष वहाँ पे कह सकते हैं कि क्षमता दिख रही है और उनकी निरंतर तारीफें हो रही हैं। इनकी वजह से जो किन्नर समुदाय के और बच्चे हैं उनको बहुत सारी जागरूकता मिल रही है और वो बच्चे भी उम्मीद कर रहे हैं कि वो आगे आएँ। अब बस मेरी यही प्रार्थना है विभागीय लोगों से, जो भी विभाग के लोग हैं, अन्य विभाग के लोग, नगर निगम काम कर रहा है और विभाग हैं, उनसे मेरी यही प्रार्थना है कि अब वो हम लोगों को सहयोग करें और हम लोगों के लिए भी आवास, रोजगार, इन सब मुद्दों पे हमारे लिए काम करें, जिसे हम भी मुख्यधारा में नज़र आएं। हाँ, मेरा नाम कृतिका है और मैं आज बहुत खुश हूँ कि मैं एक ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से हूँ और इसकी किन्नर समुदाय के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। एक बहुत अच्छा पहल हुआ है कि हमारे किन्नर समुदाय से निकलकर, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से निकलकर हम लोग कुछ कर रहे हैं। योगी जी ने एक बहुत बड़ा मौका दिया है, एक अवसर दिया है गोरखपुर वासियों के लिए हम लोग के हाथों द्वारा सेवा करने का। आज हम योगी जी द्वारा पुरस्कृत हुए हैं, हमें बहुत खुशी मिल रही है और ये मैं योगी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि हमारे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जैसे, जिसको हमेशा से समाज एक बहुत अलग नज़रिए से देखता है, तिरस्कृत करता हुआ है, हम उस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और हम और मेरे जितनी भी मेरी बहनें हैं, मेरी सहेलियाँ हैं, इन लोगों को भी मौका मिल रहा है, हमारे पूरे किन्नर समुदाय को मिल रहा है मौका कि हम अपना नाम रोशन करेंगे और हम अपने समुदाय को एक नॉर्मल, जैसे एक महिला पुरुष लोग होते हैं वैसे हम भी लोग एक सामान्य मनुष्य का अधिकार हम भी लोग पाके जी रहे हैं और जिएंगे आगे। कुछ कहा भी आपने आपसे मुख्यमंत्री जी, बात हुई आपसे? नहीं, उतना बात तो नहीं हुआ, लेकिन अब ऐसा लगता है कि हमारे समाज के लोग भी बहुत आगे जाएंगे, बहुत नाम रोशन करेंगे। गोरखपुर न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर मंडल के विकास कार्य एवं कानून व्यवस्था तथा निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक, IGRS व जन शिकायतों का प्रभावी ढंग से निस्तारण करने के साथ आयुष विश्वविद्यालय, कुशीनगर मेडिकल कॉलेज तथा BRD मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशलिस्ट ब्लॉक के कार्यों की जाँच के लिए अलग अलग कमेटी बनाकर एक सप्ताह में रिपोर्ट प्रेषित करने के दिए निर्देश। CM योगी ने हिंदू सेवाश्रम एवं यात्री निवास दोनों स्थानों पर जनता दर्शन में 1000 से अधिक फरियादियों की सुनी फरियाद। फरियादियों की समस्याओं का त्वरित व संतुष्टि परक निस्तारण के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। फरियादियों के साथ आए नौनिहालों को दुलार कर आशीर्वाद संग दिया चॉकलेट गिफ्ट। वृहद रोजगार मेला एवं सेवायोजित प्रशिक्षणार्थियों के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रदेश में हर परिवार से एक सदस्य को रोजगार देगी सरकार। यूपी में शुरू होने जा रहा है प्रत्येक परिवार की स्किल मैपिंग का अभियान, रोजगार से वंचित नहीं रहेगा प्रदेश का एक भी परिवार। कौशल विकास एवं महिला सशक्तिकरण विषयक महिला अध्ययन केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में कार्यशाला का किया गया आयोजन। अपने कौशल के दम पर रोजगार हासिल करने वाली छात्राओं को प्रमाण पत्र देकर व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने किया सम्मानित। कहा, 80,000 करोड़ के स्टार्टअप को बढ़ावा दे रही है प्रदेश सरकार। CM योगी ने नगर निगम की 125 करोड़ रुपए की लागत वाली 422 परियोजनाओं का किया लोकार्पण शिलान्यास। कहा, 5 वर्षों में बदल गई है गोरखपुर की तस्वीर। कभी मच्छर माफिया के लिए था बदनाम गोरखपुर, आज विकास है नई पहचान। आइए मिलकर बनाएं गोरखपुर को सुंदरतम नगर।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10 इलेक्ट्रिक बस, 25 कूड़ा वाहन, 2 वाटर टैंक वाहन तथा 2 टूरिस्ट इलेक्ट्रिक बस को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। कहा, महानगर वासियों के लिए एक सौगात है 39 नए वाहन। और इलेक्ट्रिक बसों के बने चार्जिंग स्टेशन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 किन्नर रजनी और कृतिका को दी नौकरी। किन्नर समुदाय के लोगों को नौकरी मिलने पर महामंडलेश्वर कनकेश्वरी नंदगिरी ने सीएम योगी के प्रति जताया आभार। कहा, किन्नर समुदाय को समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए काम कर रहे हैं सीएम योगी। अब मुझे दी इजाजत, नमस्कार।